हेलो। हाँ पुष्पांजलि जी, आप जुड़ गई हैं ना? हाँ यस सर, मैं जुड़ गई हूँ। गुड मॉर्निंग सर। ओके, ग्रेट, बढ़िया। गुड मॉर्निंग सब लोगों को। गुड मॉर्निंग। और प्रोग्राम बिल्कुल 10:40 पे स्टार्ट हो जाएगा, तब तक कनेक्शन ही हम लोग फैसिलिटेट कर रहे हैं। थोड़ा एक बार 10:30 के आसपास सबको अनाउंस कर दिया कि सब लोग थोड़ा प्रेजेंट बटन को ना दबाए, थोड़ा एक बार देख लीजिएगा। ओके सर।
जी आप बार बार अरविंद कुमार नाम अरविंद रावत जी हैं, आप बार बार ऑन कर रहे हैं अपना माइक को, प्लीज अपने माइक को म्यूट रखें। अरविंद रावत जी 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 सर पंकज सर, पंकज सर कौन सुनता है? सर गुड मॉर्निंग, पंकज सर वो हो गए हैं, आउट ऑफ रीच है शायद। अच्छा आउट ऑफ, गुड मॉर्निंग पुष्पा जी, मुझे आवाज सुन पा रहे हैं? यस सर मैं सुन पा रही हूँ आपको। जी जी आदय शक्ति मैम आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? पुष्पांजलि भावना जी को बोलिए जो पार्टिसिपेंट को ज्वाइन करवाने के लिए। ओके सर। नमस्कार सुनील शुक्ल बोल रहा हूँ एनआईटी से। नमस्कार नमस्कार, आवाज आ रही है मैम? हाँ सर आ रही है। ठीक ओके मैम, ओके थैंक यू। पुष्पांजलि रजनीश सर जुड़ गए हैं क्या? देखिए ओके सर, रजनी रंजन सर जुड़ चुके हैं हमसे।
सभी पार्टिसिपेंट्स को गुड मॉर्निंग, नमस्ते। गुड मॉर्निंग मैम। गूगल मीट के कुछ एटिकेट्स होते हैं, कुछ गाइडलाइंस फॉलो करने होते हैं, तो पार्टिसिपेंट्स को मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं, थोड़ा संक्षिप्त में बता दूं कि भी गूगल मीट में क्या क्या चीज़ें, किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो हमारा प्रोग्राम 10:50 में, एग्जैक्टली 10:50 में जो है हमारे डायरेक्टर सर हमारे साथ जुड़ेंगे और ये प्रोग्राम शेड्यूल के बारे में बता रही हूँ। 10:50 पर वेलकम ऑफ गेस्ट साइन आवर डायरेक्टर सर, डायरेक्टर NIPVD, और 10:55 में थीम प्रेजेंटेशन रहेगा प्रोफेसर रजनी रंजन सिंह सर का, और 11 जो है वो स्पीच रहेगा हमारे एमिनेंट स्पीकर का जो आज आने वाले हैं, माननीय शिव कुमार जी, उनका स्पीच रहेगा। उसके बाद 12 हमारे जो पेट्रन है इस प्रोग्राम के, वो पेट्रन रिमार्क्स बाय प्रोफेसर राणा कृष्णा पाल सिंह सर, जो जो हमारे वो रिमार्क्स के साथ हाजिर होंगे 12, और 12:10 पर रहेगा वोट ऑफ थैंक्स बाय डॉक्टर आद्या शक्ति राय मैम। तो ये हमारा प्रोग्राम शेड्यूल है। मैं बात कर रही थी कि गूगल मीट जब हम आते हैं, आजकल ऑनलाइन प्रोग्राम्स जो हम करते हैं गूगल मीट पे या कोई भी इस तरह के प्लेटफॉर्म में, तो कुछ गाइडलाइंस जो है हमें मानने होते हैं। आप सभी ने अभी बहुत सारे ऑनलाइन प्रोग्राम्स ज्वाइन किया होगा, पार्टिसिपेट किया होगा, फिर भी जो है मैं बता दूं कि अगर हम गाइडलाइंस का पालन करते हैं तो हमारा प्रोग्राम स्मूथली चलेगा, अच्छा चलेगा। इसलिए गाइडलाइंस का कृपया करके आप पालन करें। कुछ कुछ गाइडलाइंस के मैं अभी बता देती हूँ गाइडलाइंस के बारे में। सबसे पहला तो यह है कि इस कार्यक्रम में ओनली रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट्स जो हैं या रिसोर्स पर्संस हैं या इनवाइटेड ऑफिशियल्स हैं वही इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं, ये तो है पहली बात। और 10 पहले, प्रोग्राम शुरू होने के 10 पहले से आप ज्वाइन कर लें। और दूसरा ये कि वाइल ज्वाइनिंग द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑल पार्टिसिपेंट्स मस्ट इंश्योर, सारे पार्टिसिपेंट्स से ये अनुरोध है कि अपना जो कैमरा स्विच ऑफ रखें, अपना ऑडियो भी स्विच ऑफ रखें और प्रेजेंट बटन ना दबाएं। ये हमारी ना है, गुजारिश है कि ये ऐसा ना करें, हमारे प्रोग्राम में विघ्न पैदा हो जाता है जिसकी वजह से प्रोग्राम ठीक तरीके से नहीं, सुचारू रूप से नहीं चल पाता है सुचारू रूप से, तो ये है। और एक और बात ये कि गुड मॉर्निंग या कोई भी बात हो, आप मैसेज चैट बॉक्स में आप लिखकर हमें भेज सकते हैं, लेकिन ऑडियो ये प्रेजेंट बटन दबा के फिर हाय हेलो या ऐसी चीज़ें ना करें, कुछ भी कहना हो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। और हाँ, चैट बॉक्स पे आप लिख जरूर सकते हैं लेकिन अननेसेसरी कमेंट्स ना करें। और फिर पार्टिसिपेंट्स आर रिक्वेस्टेड to dress formally and maintain formal posture in front of the camera. Participants are advised to keep only device active in one room. एक रूम में एक ही डिवाइस हो, नहीं तो echo होता है, echo की वजह से फिर sound में problem आती है। और participants alert रहें सारे program के दौरान, alert रहें, और कभी भी attendance वगैरह हो सकता है, ये है, यहाँ attendance हो भी सकता है। The online assessment form will be shared on WhatsApp group. अगर online assessment है तो वो भी होगा WhatsApp group या उचित रूप से आपसे किया जाएगा। बस ये बहुत जरूरी चीजें हैं, उम्मीद है आपके सहयोग रहेगा आपका और हमारा ये प्रोग्राम सक्सेसफुल रहेगा। धन्यवाद। धन्यवाद पंजनी जी, जितने पार्टिसिपेंट्स हमसे जुड़े हुए हैं आपका बहुत बहुत स्वागत है इस ऑनलाइन वेबिनार में। एक प्रयास है डॉक्टर शकुंतला मिश्रा, नेशनल रिहैबिलिटेशन यूनिवर्सिटी लखनऊ और नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद विजुअल डिसेबिलिटीज दीदांग एंड देहरादून के द्वारा
कुछ बहुत से इश्यूज है एजुकेशन से रिलेटेड, उन विषयों को लेकर के वेबिनार की सीरीज रखी जाए। इसी संदर्भ में आज का ये पहला वेबिनार हो रहा है जिसका विषय है भविष्य के भारत हेतु शैक्षिक तंत्र का पुनर्गठन। वाकई में विषय बड़ा इम्पोर्टेंट है। विषय में जाने से पहले मैं एक बार जो पुष्पांजलि जी ने आपको कुछ गाइडलाइन बताई है उसके बारे में आपको फिर दोबारा मैं रिमाइंड करना चाहूंगा। हम सब गूगल मीट पे हैं और गूगल मीट के कुछ लिमिटेशंस हैं और कुछ गाइडलाइंस हैं जिसका पालन हम सबको करना होगा ताकि हमारा ये जो ऑनलाइन प्रोग्राम है वो स्मूथली रन हो सके और आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित हो सके। सबसे पहले मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप कृपया जो अपना माइक है उसको म्यूट रखिए, उसको अनम्यूट बिल्कुल भी ना करें। इससे बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस होता है, साउंड इको होता है, साउंड सुनाई नहीं पड़ता है। कई बार बहुत से हमारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं जो उस एरिया में रहते हैं जहां पर वैसे ही नेटवर्क का इश्यू होता है, नेटवर्क बहुत कमजोर होता है, तो शायद वो भी उनसे लाभान्वित ना हो पाए। इसलिए मैं आपसे बार बार निवेदन करूंगा कि अपना माइक जो है वो बिल्कुल म्यूट रखें, उसको अनम्यूट कृपया ना करें। और यदि आवश्यकता ना हो तो आप अपना जो कैमरा है उसको भी आप ऑफ रख सकते हैं, यदि आपको लगता है कि कैमरा ऑन रखना है तो आप ऑन रख सकते हैं। और इसके अलावा प्रेजेंट नाउ के बटन कृपया ना दबाएं, इससे भी बहुत डिस्टर्बेंस होता है। यदि कई बार पीपीटी प्रेजेंट करना चाहते हैं कोई एक्सपर्ट तो वो भी डिसअपीयर हो जाता है, तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि प्रेजेंट नाउ का बटन, अभी मैं कही रहा था प्रेजेंट नाउ का बटन दब दिया, तो कृपया इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें। हम सब प्रोफेशंस हैं, एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, स्पेशल एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, हम सबका एक सामूहिक उत्तरदायित्व है कि हम किसी भी प्रोग्राम को बिल्कुल अच्छे तरीके से कर सकें। तो मैं आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूँ इस प्रोग्राम में, जिस आज इस प्रोग्राम का जो मेन जो ऑर्गेनाइजर है वो नेशनल रिहैबिलिटेशन यूनिवर्सिटी लखनऊ की डॉक्टर शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी और राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान देहरादून जॉइंटली ऑर्गेनाइज कर रहा है इस प्रोग्राम को। और इस प्रोग्राम में मैं पुनः आप सबका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप इस प्रोग्राम से बहुत लाभान्वित होंगे। हमसे प्रोफेसर रवि रंजन सिंह सर जुड़ गए हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। हमसे जुड़ चुके हैं राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान के निदेशक महोदय डॉक्टर हिमांशु दास सर, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। समय लगभग 10:50 का हो रहा है। डॉक्टर हिमांशु दास सर आवाज नहीं सुन पा रहे सर? तो हाँ मैं सुन पा रहा हूँ सर। एक बार सबका स्वागत करता हूँ आज के इस प्रोग्राम में, इस वेबिनार में जो राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान देहरादून और डॉक्टर शकुंतला मिश्रा नेशनल रिहैबिलिटेशन यूनिवर्सिटी लखनऊ के तत्वावधान में ये प्रोग्राम हो रहा है। आज के इस प्रोग्राम का जो मुख्य विषय है भविष्य के भारत हेतु शैक्षिक तंत्र का पुनर्गठन। इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगा राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान के निदेशक महोदय जो हमारे गाइड भी है, हमारे गुरु भी हैं, लगातार हमको उनका मार्गदर्शन प्राप्त होता है। सर मैं आपका स्वागत करता हूँ और आपको आमंत्रित करता हूँ वेलकम स्पीच के लिए, डॉक्टर हिमांशु दास सर। डॉक्टर हिमांशु दास सर हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार सुनील जी, आप मुझे सुन सकते हैं? नमस्ते सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको नमस्कार। शकुंतला डॉक्टर शकुंतला मिश्रा नेशनल रिहैबिलिटेशन यूनिवर्सिटी के पार्टनरशिप के लिए मैं आप सबको बहुत बड़ा अभिनंदन करता हूँ। आई एम सो हाईली इंडेबिटेड एंड ग्रेटफुल टू द होल टीम
for having this collaboration and coming forward for this very special meet. हम एक्चुअली प्लानिंग कर रहे थे वाइस चांसलर जी से मिलने का और मिलके कुछ एमओयू के तहत कुछ काम आगे बढ़ाने के लिए. कोविड के वजह से हमारा वो प्लानिंग थोड़ी सी रुक गई है, लेकिन ये जो आप लोगों ने थोड़ी सी एक शुरुआत की है टू स्टार्ट विथ रिफ्लेक्टिव डिस्कोर्स ऑन ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन सिस्टम एंड रिसेपिंग 21st सेंचुरी भारत, तो शुरुआत जो आप लोगों ने की है इसके लिए मैं बहुत आप सबको धन्यवाद ज्ञापन करूंगा, अभिनंदन भी करूंगा. राणा कृष्णपाल सिंह जी, हम चाहेंगे आप जितना जल्दी हो सके एक बार निभेद देहरादून सर पधारे और हम लोग अपना इस मिशन को ऑनलाइन ट्रेनिंग एंड ऑफलाइन ट्रेनिंग की जो मिशन है इसको हम आगे बढ़ा सके. ऑल्सो प्रोफेसर रजनी रंजन सिंह जी मेरे मित्र हैं बहुत समय से, एंड रेस्पेक्टेड सुकुमार जी, आपने हमें जो समय दिया आज का इस स्पेशल प्रोग्राम के लिए, सुकुमार सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ सर. हम आभारी है आपकी और निभेद को एक नया दिशा दिखाने के लिए आपकी जो भी भूमिका रहेगी उसके लिए हम सब उपेक्षा कर रहे हैं कि आप बहुत जल्द निभेद की हमारी सारे ईसी मेंबर्स, सारे जीसी मेंबर्स, हमारे सारे स्टाफ सबको आप जल्दी ही मिलेंगे और आपकी दिशा निर्देश का हमें लाभ होगा. शिव कुमार सर की परिचय हमारी विभाग में आवश्यकता नहीं है, बहुत ही बड़ा एक कंट्रीब्यूशन रहा है सामाजिक दृष्टिकोण से और शिक्षा की दृष्टिकोण से. हमारी राय साहब जी को भी मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ और आज की इस टॉपिक के लिए जो हमारी उम्मीदें जो है, स्पेशली जब हम दिव्यांगजनों के हिसाब से जब थोड़ी सी हम सोचते हैं तो मुझे लगता है कि इतने ज्यादा एक कॉम्पिटिटिव, एक बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव दुनिया हमने बना दिया है, तो इतना बड़ा एक कॉम्पिटिटिव दुनिया होगा जहाँ हैप्पीनेस क्वोशेंट बहुत कम होगी, जिंदगी का लक्ष्य जो है केवल पैसा और मेटेरियलिस्टिक या सामग्री की हिसाब से ही जोड़ा जाएगा. ऐसी दुनिया में मानसिक रोग बढ़ती जाएगी, मानसिक वेलनेस, मेंटल वेलनेस कम होता जाएगा. ऐसे हालत में, ऐसे दुनिया जो हम बना रहे हैं या बनते जा रहे हैं, ऐसे हालत में मुझे थोड़ी सी आशंका है कि हमारे दिव्यांगजनों की भी स्थिति कैसे ठीक हो पाएगी. इंक्लूसिव सोसाइटी बनाने की हम बात कर रहे हैं, उनकी समाकलन की बात कर रहे हैं, उनकी एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, अर्ली इंटरवेंशन की बात कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट लिविंग की बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम कुछ वर्ल्ड के अच्छे कंट्रीज देखते हैं, हम डेनमार्क देखते हैं, नेदरलैंड देखते हैं, कि हमारा बिल्कुल पड़ोसी देश है, हम भूटान को देखते हैं, तो जिंदगी को अलग तरीके से दर्शाया गया है. हर एक इंसान एक रेस्पॉन्सिबल लिविंग जीने के लिए उनको शिक्षा दी जाती है, कोऑपरेटिव लिविंग के लिए शिक्षा दी जाती है. वो समाज के लिए जीता है, समाज का रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए वो जीता है, अपने लिए सिर्फ नहीं जीता है. तो दुनिया थोड़ी सी ऐसे जगह में ज्यादा हैप्पी है, ज्यादा कोऑपरेटिव, एक दूसरे को मददगार समाज, एक दूसरे के प्रति रेस्पॉन्सिबल समाज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके वजह से ऐसे समाज में क्राइम बहुत कम है, हैप्पीनेस बहुत ज्यादा है. और जब ऐसे समाज के लोगों को हम पूछते हैं, आप लोग ऐसे समाज का एक आभार आप लोगों को कहाँ से मिला, इसके आधार आप लोगों को कहाँ से मिला, हर कोई कहते हैं कि ये आधार तो हमें तो भारत से मिला है, हमें तो हिंदुस्तान से मिला है, हमें इंडिया से मिला है. तो ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि जो विश्व के अग्रणी टॉप 100 देश है विकास के मामले में या हैप्पीनेस के मामले में,
या क्राइम रेट के मामले में या दिव्यांगजनों का जो एक खुशहाल स्थिति है उसके हिसाब से अगर हम देखते हैं और उनको पूछते हैं कि वो भारत को आदर्श मानते हुए ये सब आगे बढ़े हैं, तो हम उम्मीद करेंगे इस प्रकार के डिस्कोर्स में हम अपनी ट्रेडिशन, अपनी रूट्स, अपनी इथोस, इंडियननेस को आगे लाने की हम कोशिश करें और जिससे हम जो भी हम लोग अगला भारत देखना चाहते हैं उस भारत में थोड़ा कंपटीशन कम हो, देश प्रेम ज्यादा हो, हमारा एक दूसरे के प्रति सहानुभूति, सहाय देने की प्रवृत्ति ज्यादा हो, समाज के लिए जिए हम अपनी दिव्यांगजनों के साथ एक इंक्लूसिव सोसाइटी में जीने की कोशिश करें। मैं पुनः ऑनरेबल वाइस चांसलर जी की, रजनी रंजन जी की, हमारे शिव कुमार जी की आमंत्रण करता हूँ, नमन करता हूँ और आशा रहेंगी आप लोगों की मदद से निम्फेड जो है एक नई मकाम तक पहुंच पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और निश्चित रूप से जैसा आपने कहा कि यदि हम भविष्य के भारत की यदि कल्पना करते हैं और यदि उनमें दिव्यांगजनों को हम जोड़ते हैं तो निश्चित रूप से हमें ये परिकल्पना करनी ही चाहिए कि वाकई में हम सभी एक अच्छी इंक्लूसिव सोसाइटी की कल्पना करें ताकि सब मिलजुल कर प्रेम व्यवहार से अपने आप को रिलेट कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जैसा सर ने कहा शिव कुमार सर के बारे में, लगातार हम उनसे उनके वक्तव्य सुनते हैं, लगातार उनके मार्गदर्शन को प्राप्त होता है। सर मैं पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस वेबिनार में, आपका मार्गदर्शन हम चाहेंगे कि लगातार हमको मिलता रहे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आज के इस प्रोग्राम के थीम प्रेजेंटेशन के लिए प्रोफेसर रजनी रंजन सिंह को आमंत्रित करता हूँ। शिरपुरकर जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद और मुझे आज बहुत ही अपार हर्ष हो रहा है कि आज शारदीय नवरात्रि आरंभ हो गया है और आज इस शारदीय नवरात्र के प्रथम चरण में हम लोगों ने एक ऐसी शैक्षिक यात्रा की आज शुरुआत की है कि जो डेफिनेटली हमारे जितने भी एकेडमिशियंस हैं, रिसर्चर्स हैं और हमारे जितने भी देशवासी हैं उनके लिए ये जो कार्यक्रम है डेफिनेटली एक नई दिशा और एक नई दशा को तय करेगी। सबसे पहले इस कड़ी में मैं आज के सत्र के मुख्य वक्ता माननीय शिव कुमार जी भाई साहब, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर राणा कृष्ण पाल सिंह सर और हमारे परम मित्र NIEPD के निदेशक डॉक्टर हिमांशु दास जी और इस डे सेमिनारियो और प्लस NIEPD के जितने भी हमारे माननीय शिक्षाविद हैं, जितने भी हमारे सहकर्मी हैं, उन सभी को बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत हार्दिक आभार। आज हम सभी लोग एकेडमिशियंस, रिसर्चर्स, स्टूडेंट्स एवं अन्य प्रतिभागी सभी आज इस डिस्कोर्स से जुड़े हुए हैं और इस डिस्कोर्स क्यों जरूरी था और ये क्यों ये एक लग रहा था कि ये होना बहुत ही आवश्यक है और इसके लिए मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, खास करके हमारे माननीय कुलपति महोदय जिन्होंने इसकी अनुमति दी और साथ ही साथ डॉक्टर हिमांशु दास जी जो निदेशक हैं और उन्होंने भी एक बहुत ही अपनी सहमति जताई और आज हम जानते हैं कि जितनी भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें एक कोलैबोरेशन की जरूरत है, एकेडमिक कोलैबोरेशन, रिसर्च कोलैबोरेशन, जैसे कि हिमांशु दास ने जी भी नहीं कहा कि हम MOU चाहते हैं और इस तरीके से डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छा कदम है। लेकिन MOU और ये सब की शुरुआत से पहले हम लोगों ने सोचा कि एक ऐसे एक विचार से स्टार्ट किया जाए, एक ऐसे व्याख्यान श्रृंखला से शुरू की जाए इस बात को कि ताकि लगे कि हम सभी के लक्ष्य एक हैं और जब हम सभी के लक्ष्य एक होते हैं तो हम उस मुकाम को हासिल कर लेते हैं। तो आज का एक जो ये पड़ाव है ये बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है, जिस पड़ाव के आज प्रथम दिन में जो हमारे माननीय जो शिव कुमार भाई साहब हैं वो कंप्लीट आज एक शैक्षिक जो हमारे जो तंत्र है उस तंत्र का पुनर्गठन कैसे हो और 21वीं सदी के जो भारत का जो ख्वाब है
और जो एक समावेशी समाज और जो एक समावेशी शिक्षा के माध्यम से समावेशी समाज की संकल्पना है उसको हम किस तरीके से सार्थक करें। तो मुझे लग रहा है कि ये आज का जो एक ये है एक जो प्रथम जो हम एक पायदान पे जो हम लोग आज खड़े हैं, डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आज का ये प्रोग्राम एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम होगा और साथ ही साथ ये श्रृंखला चलती रहेगी। इसीलिए खास करके एक जो सीरीज ऑफ रिफ्लेक्टिव डिस्कोर्सेज स्टार्ट करने की बात की गई, क्योंकि हम जानते हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एक बहुत ही ब्यूटीफुल डॉक्यूमेंट है। 34 ईयर्स के बाद हमें एक बेहतर डॉक्यूमेंट मिला है जिसका मॉडल जो है वो भारत सेंट्रिक एजुकेशन है। भारत सेंट्रिक एजुकेशन का मतलब है कि हम अपने एथोस को, हम अपने कल्चर को, हम अपने ट्रेडिशन को, जिस ट्रेडिशन के माध्यम से बाकी दुनिया के देश डेवलप हो गए, विकसित हो गए, हैप्पीनेस को प्राप्त किए, लेकिन आज हमारे ही देश में जो एक भारत आधारित जो शिक्षा है वो कहीं ना कहीं इग्नोर्ड है। तो इसको एक भारत सेंट्रिक जो मॉडल ऑफ एजुकेशन है उसको किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए, इंप्लीमेंटेशनल चैलेंजेस क्या होंगे, किस तरीके की चुनौतियां होंगी, इसको ये स्टार्ट करने के लिए ये एक अच्छा प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है, जो डेफिनेटली इस प्रोग्राम में भारत के जितने भी शिक्षाविद होंगे वो जुड़ेंगे। मुझे बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि अगला जो प्रोग्राम होगा माननीय भाई साहब के बाद जो होगा वो प्रोफेसर जे एस राजपूत सर का, उसके बाद प्रोफेसर वी एस दुबे जो आर एस दुबे सर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के वाइस चांसलर हैं। तो इस तरीके के जितने भी जो टॉप लेवल के एकेडमिक थिंकर्स हैं, एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वो सभी लोग इस प्रोग्राम से जुड़ने की आकांक्षा रखते हैं, क्योंकि ये दोनों जो इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद विजुअल डिसेबिलिटी और जो नेशनल रिहैबिलिटेशन यूनिवर्सिटी जो हम लोग का जो विश्वविद्यालय है, वो डेफिनेटली दोनों के जो गोल हैं ये बहुत ही लॉफ्टी गोल्स हैं, लेकिन उस गोल को किस तरीके से हम अचीव करें, किस तरीके से हम एक इस विजन को और इस किस तरीके से मिशनरी जील के साथ हम प्राप्त करें, ये बहुत जरूरी है कि ताकि एजुकेशन का मॉडल कुछ इस तरीके के हों जिसमें लर्निंग टू नो से लेकर के, यानी कि जानने के लिए सीखना से लेकर के, करने के लिए सीखना से लेकर के, साथ रहने के लिए सीखना से लेकर के, और जो स्व आधारित जो सीखना है, हम अपने स्व को कैसे समझें, इस आधारित शिक्षा का प्रारूप कैसा होना चाहिए, क्योंकि आज शायद जरूरत है आज एक सशक्त भारत की, समर्थ भारत की। तो शायद ये जो श्रृंखला है डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छे पड़ाव पे हम लोग ये करेंगे, क्योंकि जब तक हम चिंतन नहीं करेंगे तब तक शायद हम चिंताग्रस्त रहेंगे। तो चिंतन से हम किस तरीके से एक उन्नत राष्ट्र की संकल्पना करेंगे, तो शायद इस के लिए एक ये महत्वपूर्ण कड़ी है। और मैं खास करके माननीय वक्ता महोदय और हमारे माननीय कुलपति महोदय और जो निदेशक महोदय, मैं सभी का मैं बहुत ही हार्दिक धन्यवाद मैं प्रेषित कर रहा हूं कि आप सभी ने मिलकर के एक अच्छे लक्ष्य की ओर बढ़ने का हम लोगों ने एक संकल्प लिया है और हम लोग प्रतिबद्ध हैं कि हम लोग एक अच्छे मुकाम पे पहुंचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बहुत बहुत सर। निश्चित रूप से सर, जैसा आपने कहा कि आदरणीय हमारे कुलपति महोदय का लगातार सहयोग हमको मिलता रहा है, और यदि दो राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं जिनके उद्देश्य लगभग जैसे ही हैं, यदि मिलकर कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से हम सभी प्रकार के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अग्रसर हो सकते हैं और शायद हमको जो रिजल्ट मिलेंगे वो काफी अच्छे होंगे, फ्रूटफुल होंगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अब आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे आज के इस प्रोग्राम के मुख्य वक्ता एम शिव कुमार जी। इसके पहले कि मैं उनको आमंत्रित करूं, थोड़ा सा मैं जानकारी देना चाहूंगा। आदरणीय हमारे शिव कुमार जी राष्ट्रीय सचिव हैं भारतीय विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान के। सर, आपका जन्म मूलतः हरियाणा में हुआ और शिक्षा दीक्षा कलकत्ता से हुई। कलकत्ता विश्वविद्यालय से सर आपने परास्नातक विद्या की उपाधि प्राप्त की। विद्यार्थी काल से ही सर आप राष्ट्र सेवा के विविध कार्यों से जुड़े। आपने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश मंत्री पश्चिम बंगाल का दायित्व निर्वहन किया। तदुपरांत आपने राष्ट्र सेवा हेतु तो अपने जीवन का अर्पण कर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रचारक के रूप में सेवारत ले लिया। सर, आप 4 दशकों से प्रचारक के रूप में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के विविध दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। आपने हमारे पड़ोसी देश नेपाल में अधिराष्ट्र प्रचारक के रूप में भी दायित्व निर्वहन किया है। विगत 2 दशकों से विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान के विविध दायित्वों का लगातार निर्वहन कर रहे हैं। आपका मुख्यतः केंद्र दिल्ली रहा है। प्राचीन भारतीय
चिंतन की समकालीन उपयोगिता और उसे वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में के संदर्भ में आपका गंभीर अध्ययन रहा है, चिंतन रहा है, देखा रहा है। सर एक प्रखर वक्ता रहे हैं। सर आज आप हमारे बीच आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम कृतज्ञ हैं, लगातार हम उम्मीद करेंगे कि आपका सहयोग हमें लगातार मिलता रहेगा। अब मैं आमंत्रित करता हूँ आज आपके विषय के लिए, आज का विषय है भारत भविष्य के भारत के हेतु शैक्षिक तंत्र का पुनर्गठन। सर शिव कुमार सर बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील त्रिपुरकर जी, ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी माँ शारदा के चरणों में कोटि से नमन। प्रयाग से ही मेरा जिनसे बड़ा स्नेहिल संबंध रहा है और अपने इस डॉक्टर शकुंतला देवी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राणा कृष्णपाल सिंह जी, प्रोफेसर रजनी रंजन जी, डॉक्टर हिमांशु दास जी, अन्य सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ शिक्षाविदों को मेरा सादर प्रणाम। सुनील जी ने काफी विस्तार से परिचय करा दिया मेरा। मैं केवल एक संघ का सामान्य सा कार्यकर्ता हूँ और आप जैसे ज्येष्ठ श्रेष्ठ शिक्षाविदों के सानिध्य में रह करके विद्यार्थी जीवन से ही कुछ सीखने का प्रयास, इस दृष्टि से कुछ छोटे मोटे जितने भी संभव होता है उतनी सक्रियता के आधार पर काम करते हैं। आज जिस विषय को लेकर के आप सबके साथ थोड़ी चर्चा वार्ता करने के लिए मुझे आदेशित किया गया है उसके बारे में काफी कुछ 29 जुलाई 2020 से ही, जैसे ही इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को एक पब्लिक के सामने लॉन्च किया गया, तो उसके बाद से इसके बारे में भिन्न भिन्न प्रकार से भिन्न भिन्न स्तरों पर भिन्न भिन्न गोष्ठियों में वेबिनार्स में अलग अलग संदर्भों में अलग अलग प्रकार के विद्वानों के द्वारा पर्याप्त चर्चा हो रही है। तो बहुत से विषय हम सब ने सुने हैं, आप में से भी बहुतों ने वक्ता के नाते से इन विषयों को किसी न किसी रूप में प्रस्तुत किया है। तो मुझे लगता है कि मैं जो कुछ भी चर्चा अगले 35-40 मिनट में आपके साथ करने वाला हूँ, कोई बहुत नया विषय होगा ऐसा उसमें कुछ नहीं है, परंतु ऐसा कहा जाता है कि किसी अच्छी बात का बार बार स्मरण करना, ये कहीं ना कहीं उसकी पोटेंशियलिटी को, उसकी जो वेवलेंथ रहती है उसको इंक्रीज करता है, उसको बढ़ाता है। भगवान का नाम जितने बार स्मरण कीजिए उतने ही बार उसकी पोटेंशियलिटी बढ़ती जाती है। तो ऐसे ही कुछ मुद्दों की चर्चा मैं आपके साथ करने की अपेक्षा रखता हूँ। सर्वप्रथम तो आज महाशक्ति का जो पूजन का प्रथम दिन है, तो सहज बात है कि उस महाशक्ति को हम सभी मिलकर के शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले जो कार्यकर्ता हैं उसको प्रणाम करते हैं। हम सबको उस प्रकार की शक्ति, उस प्रकार की बुद्धि, उस प्रकार का डेडिकेशन, समर्पण, उसकी क्रियाशीलता ये माँ शारदा प्रदान करे कि जिसके आधार पर हम जिस एक संकल्पना को लेकर के उस भारत की भवितव्यता के निर्माण के लिए प्रयासरत हैं उस प्रकार की सफलता अर्जित कर सकें, इस प्रकार की एक अपेक्षा और इस प्रकार की एक निवेदन ये उस महाशक्ति के श्री चरणों में मैं करता हूं। सामान्य रूप से मैं एक छोटी सी घटना से विषय प्रारंभ करता हूं। विद्या भारती जिस संस्थान का मेरे पास दायित्व है, पूरे देश भर में 13,000 ऐसी शिक्षण संस्थाएं विद्या भारती संचालित करती है, लगभग 36 लाख विद्यार्थी इसमें अध्ययन करते हैं, 1.5 लाख के लगभग इसमें शिक्षक हैं और 5 लाख लगभग ऐसे ज्येष्ठ श्रेष्ठ शिक्षाविद जो स्कूल लेवल के मैनेजमेंट से लेकर के और ऑल इंडिया लेवल तक की एकेडमिक काउंसिल में अपना प्रतिभाग करते हैं, 25 लाख लगभग अभिभावक परिवार, 15 लाख के लगभग ऐसे पूर्व छात्रों का समूह, कुल मिलाकर के आज ये 1 करोड़ का जो शिक्षा परिवार दिखाई देता है, इस शिक्षा परिवार के माध्यम से हम सब लोग जो कुछ प्रयास कर रहे हैं, ये जो वर्तमान में राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिस विषय को लेकर के चर्चाएं प्रारंभ हुई है, इसके बहुत से विषयों को 1952 के पहले विद्यालय से ही
कुछ न्यूनाधिक मात्रा में करने का प्रयास ऐसे ज्येष्ठ श्रेष्ठ शिक्षाविदों ने, संघ के उन श्रेष्ठ प्रचारकों ने जिन्होंने विचार किया था कि शिक्षा का स्वरूप क्या होना चाहिए और जिसके आधार पर भारत का भवितव्य का निर्माण होगी, उस आधार पर गतिशीलता ये रखने का प्रयास किया जा रहा है। मुझे लगता है कि जिस विषय की चर्चा, जिसके बारे में विचार करना अपेक्षित है, उसमें सामान्य रूप से एक गीता में एक श्लोक आता है, अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्णम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवात्र पंचमम। किसी भी कार्य की सफलता का जो आधार मानते हैं उसमें पांच घटक ऐसे उसमें चर्चा में आए हैं, एक अधिष्ठान है, दूसरा कार्यकर्ता है, कार्य पद्धति है, विविध प्रकार की चेष्टाएं हैं और प्रभु का आशीर्वाद दैवात्र पंचमम। इसी आधार पर वर्तमान के संदर्भ में शिक्षा नीति के आधार पर अगर विचार करेंगे तो हम इसको एक सरलता से विचार कर सकते हैं। पहला है साधक, दूसरा है साधना, तीसरा है साधन, चौथा है साध्य और पांचवा है सिद्धि। सब साधक कौन है? तो साधक हैं वो स्टेक होल्डर जिनके साथ में प्रत्यक्ष शिक्षा का विषय जुड़ता है, और उसको भी अगर थोड़ा सा मिनिमाइज करेंगे तो दो प्रकार के इसमें विषय, दो प्रकार के साधक ध्यान में आते हैं। एक है, क्या हो गया, हाँ, एक है तो विद्यार्थी वर्ग है और दूसरा है उसके साथ में जुड़ा हुआ अध्यापक वर्ग। अध्यापक और विद्यार्थी, शिक्षक और शिक्षार्थी मिलकर उस विषय को जिस प्रकार से समाज के सामने प्रस्तुत करना चाहिए, निर्माण करना चाहिए, इन दोनों की साधना और ये जो तंत्र बना हुआ है जिस नीति के आधार पर तंत्रात्मक हम विचार कर रहे हैं, वो तंत्र मिलकर के आगे इस प्रकार के भारत के लिए जैसी पीढ़ी चाहिए, जैसे लोग चाहिए, ये उसका निर्माण करेंगे। आज भारत को सबसे युवा देश कहा जाता है, लगभग 40 करोड़ के आसपास ऐसी हमारी युवा आबादी है, एक जिसको हम कहेंगे इस प्रकार की पॉपुलेशन है, जो उस युवा आबादी कहीं ना कहीं किसी रूप में हम सब को इस प्रकार के स्थिति का उपलब्धता करवाती है। अब वो युवा आबादी किस रूप में इस प्रकार की दृष्टि के आधार पर विकसित हो कि जो दृष्टि हम जिस प्रकार की पीढ़ी के अंदर निर्माण में चाहते हैं वैसी दृष्टि निर्माण होगी, तो निश्चित बात है कि वो आगे चल करके उस प्रकार के भारत, जिस प्रकार के भारत की हम संकल्पना कर रहे हैं शिक्षा के आधार पर, वैसे भारत का निर्माण कर पाएंगे। अब इसमें विचार करने वाला विषय है कि हम किस प्रकार के भारत को कल्पना करते हैं, कैसा भारत चाहिए हमें। हमें जब हम पौराणिक बातों के संदर्भों को इसमें व्याख्यायित करते हैं तो पंडित दीनदयाल जी जैसे कहते थे कि बहुत सी बातें जो पिछले कालखंड में रही हैं उनको युगानुकूल परिवर्तन के आधार पर स्वीकार करना, और जो चीजें विश्व के परिदृश्य में दिखाई देती हैं उनको देशानुकूल परिस्थिति के आधार पर स्वीकार करना। तो ये जो युगानुकूल परिवर्तन और देशानुकूल परिवर्तन है, इस परिवर्तन के आधार पर विचार करके ही वर्तमान की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है इसको बनाने का प्रयास किया गया। इस शिक्षा नीति से थोड़ा सा पुराने अगर संदर्भों का विचार करेंगे तो आजादी के पूर्व में भी 1818 के पहले कलकत्ता विश्वविद्यालय की जो परिषद बनी थी, जिस विश्वविद्यालय का मैं विद्यार्थी रहा हूं, उस समय से लेकर के और 1944 में जो एक सर सार्जेंट कमेटी, ये इस बीच में 1818 से लेकर के 1944 के बीच में 12 कमेटियां बनी जो जिन्होंने अलग अलग प्रकार से शिक्षा के संदर्भों में आजादी के पूर्व विचार करके, और हमारा जो 18वीं शताब्दी से पहले का शिक्षा का जो तंत्र था
जिस शिक्षा के तंत्र के आधार पर यह सब कुछ निर्माण होता था उसमें आमूलचूल परिवर्तन कर डाला। आजादी के बाद 1948-49 में जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बना और बाद में 1952-53 में मुदलियार कमेटी बनी, कोठारी आयोग बना, डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग बना और 1986 की शिक्षा नीति के बाद में वर्तमान की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, इन सभी को अगर हम विचार करेंगे तो धीरे धीरे बहुत सी कमेटियों में, बहुत से आयोगों में कुछ बड़ा परिवर्तन करने का प्रयास ये सभी ने किसी मात्रा में किया है, परंतु किसी भी नीति के इम्प्लीमेंट का जो पार्ट होता है उसमें कैसे साधक काम कर रहे हैं, किस प्रकार के दृष्टि को लेकर के विचार कर रहे हैं, उसका अगर समग्र अगर किसी प्रकार से निरूपण नहीं किया गया, समग्रता के आधार पर उनके संदर्भों का विचार नहीं किया गया तो वो नीति परिणामकारी नहीं होती। 1948-49 की कमेटी से लेकर के और 2019 की कमेटी तक के ये जो 14 अलग अलग प्रकार के आयोग और कमेटियां बनी है, इन सबके प्रयास के बावजूद भी इस समय की शिक्षा नीति के बारे में जो हम कुछ विशेष है ऐसा जब हम कहते हैं तो थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा कि वो विशेषताएं क्या हैं। पहली विशेषता है कि जिस भारत के बारे में हम विचार करते हैं कि हमारा भारत क्या है, उस भारत की संकल्पना को सुदृढ़ करना, उस भारत की संकल्पना से विद्यार्थियों को परिचित कराना, उस भारत की संकल्पना के आधार पर तंत्र का निर्माण करना और उस भारत के भवितव्यता को ध्यान में रख करके उस प्रकार के कार्यों के लिए क्रियाशील होना, सक्रिय होना, ये जो चार भाग रहते हैं इसका एक बड़ा प्रयास इस शिक्षा नीति में किया गया है। कुछ उदाहरण देता हूं। पहला विषय है, अभी तक हम जिस मंत्रालय को मानव विकास संसाधन मंत्रालय ऐसा बोलते थे, यानी मानव को भी एक संसाधन मान करके, मनुष्य एक संसाधन नहीं है, एक लाइव आइडेंटिटी है, इस नाते से इसके अंदर भावनाएं भी हैं, इसके अंदर बुद्धि भी है, इसमें विवेक है, निर्णय करने की क्षमता है, ऐसे विविध प्रकार के जो विषय हैं उस प्रकार के मानव की समग्रता का विचार करना, इस नाते से तंत्र के आधार पर इसका नाम ये शिक्षा मंत्रालय किया जाए, ऐसा एक सजेशन आया जिसको इसकी लॉन्चिंग के साथ ही स्वीकार भी कर दिया गया। दूसरा एक विषय जो परिवर्तन का इसमें दिखाई देता है वो है कि ये भारत केंद्रित शिक्षा कैसे होगी। भारत केंद्रित यानी क्या, इसको भी थोड़ा सा विचार करने की आवश्यकता है। कई बार कुछ शब्द जरा रूट जैसे हो जाते हैं, ध्यान में आता है कि मैंने जब आजादी के पूर्व की इस कमेटियों की बात की है तो उन सबके आधार पर उस समय शिक्षा का स्वरूप यूरोप सेंटर्ड था, क्योंकि यूरोप का विश्व के बहुत बड़े भूभाग पर किसी न किसी रूप से एक वैचारिक दबाव, ये कॉलोनाइजेशन के आधार पर कहिए या राज्य के आधार पर कहिए, यह बना हुआ रहता था। आजादी के बाद शिक्षा का स्वरूप जिस दिशा में गया तो अमेरिका सेंटर्ड एजुकेशन हो गई, और धीरे धीरे मुझे ध्यान में है कि जब हम सब लोगों ने ग्रेजुएशन कर रहे थे उस समय हमारे साथ के बहुत से सहपाठी रिसर्च करते हुए इस प्रकार का हमें अमेरिका जाना है या ऐसे किसी देश में जाना है जहां अपने द्वारा अर्जित ज्ञान का हम ठीक पद्धति से कुछ रिटर्न प्राप्त कर सके, सबकी मानसिकता अमेरिका सेंट्रल एजुकेशन की तरफ किसी न किसी रूप में बाध्य करती थी। बाद में और एक परिवर्तन हुआ, वो परिवर्तन हो गया बाजार सेंट्रल एजुकेशन। आखिर आज के समय में डिमांड किसकी है, तो एक फेज आया एमबीए की डिमांड हो गई, दूसरा फेज आया इंजीनियर्स की डिमांड हो गई, तो हजारों इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गए। आज ध्यान में क्या आता है कि उस इंजीनियरिंग कॉलेज में से अधिकांश सीटें ये रिक्त पड़ी हुई हैं, उसके पढ़ने के लिए उपयुक्त स्तर का विद्यार्थी भी नहीं मिलता। तात्पर्य क्या है कि बाजार ने शिक्षा पर आधिपत्य कर लिया और शिक्षा की जो डिमांड एंड सप्लाई का जो एक कॉमर्स में फार्मूला बोला जाता है, किस प्रकार की डिमांड होगी उस प्रकार के शिक्षा के लिए हम आयाम स्थापित करेंगे, ये एक मानसिकता स्थापित हो गई। इन सभी बातों से अलग हट करके, अगर चाहे यूरोप सेंटर्ड हो, अमेरिका सेंटर्ड हो, बाजार सेंटर्ड हो या और कहीं भी किसी दूसरे किसी विचार की सेंटर्ड होगी, अगर शिक्षा का स्वरूप
उस प्रकार की दिशा में चलेगा, तो ये निश्चित मान लीजिए कि हम जिस प्रकार के भारत के निर्माण की बात करते हैं, जिसके लिए इतने वर्षों से प्रयासरत हैं, वो भविष्य में निर्माण नहीं हो सकता। तो शिक्षा कैसी चाहिए? तो शिक्षा वास्तव में भारत केंद्रित चाहिए। भारत का जो स्वाभिमान है, भारत की जो परंपराएं हैं, भारत की जो मान्यताएं हैं, भारत के जो जीवन मूल्य हैं, उन सभी को समाहित कर सके, उन सबके आधार पर विचार करने वाले उस स्वाभिमान को लेकर के अगर हम किसी विषय को पढ़ा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर हम किसी प्रमेय की बात आती है, बहुत प्रकार के ऐसे विषयों की बात आती है, तो उन विषयों के बाद, उन विषयों के आधार पर हम भारत में इस दिशा में क्या क्या हुआ है, इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी इस प्रकार का एक विषय जोड़े गए हैं कि जिसके आधार पर उस प्रकार का स्वरूप ये विचारणीय होगा कि जिस आधार पर भारतीय संस्कृति, भारतीय मान्यताएं, भारतीय परंपराएं और उसके आधार पर शिक्षा नीति का साहित्य ये तैयार होगा। अभी एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं। प्रवास के क्रम में एक स्थान पर अपने कार्यकर्ता के यहाँ एक सत्संग का ऐसा कोई कार्यक्रम हो रहा था, तो मुझे भी उसमें आने के लिए निमंत्रित किया गया। तो वहां जो प्रवचन करता थे, बहुत से एक सामान्य विद्यार्थी जो छठी सातवीं आठवीं में पढ़ने वाले थे, वो विद्यार्थी भी श्रोतावृंद में बैठे हुए थे। उस प्रवचनकर्ता ने उन विद्यार्थियों से एक सिंपल सा प्रश्न किया कि बताइए कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ था। बड़ा आश्चर्य लगा मुझे कि उसमें से अधिकांश विद्यार्थी वो ठीक उत्तर, अब कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ था इसको बताने के लिए कोई बहुत बड़ी किसी फिलोसफी की या किसी बड़े अध्ययन की या किसी बड़ी डिग्री की आवश्यकता है, ऐसा नहीं लगता। ये हमारे शिक्षा के तंत्र के अंदर, पारिवारिक परिवेश के अंदर एक सहज रूप से इस प्रकार की एक चर्चा, इस प्रकार के एक विषय ये रहता था। परंतु बीच के कालखंड में, इस 60-70 वर्षों में, विशेष करके आजादी के बाद, शिक्षा की जिस दिशा की अपेक्षा की गई थी, उस दिशा में उन प्रकार के विषयों का, यानी संस्कृति आधारित विषय और सभ्यता आधारित विषय, सभ्यता ये प्रगति का प्रतीक है, संस्कृति ये रूटेड टू कल्चर, ये उसका प्रतीक है, अपनी जड़ों की तरफ लेकर के जाने का प्रतीक है। तो इस विषय के अभाव के कारण से आज इन सामान्य प्रकार के प्रश्नों के उत्तर भी हमारे उन विद्यार्थियों के मस्तिष्क में सहजता से नहीं आते। कोई बड़ा गूढ़ ज्ञान का विषय ये नहीं है कि जिसके लिए बड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी, परंतु ये सामान्य सी बातें उन विद्यार्थियों के अंतःकरण में क्यों नहीं आ पा रही हैं, इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि जिस प्रकार के शिक्षा के कंटेंट निर्माण किए गए, जिस प्रकार के शिक्षा का आधार बनाया गया, वो सभी बातें इस प्रकार की दिशा को प्रेरित करने का काम नहीं करती थी। तो भारत केंद्रित शिक्षा के अंदर जब हम चर्चा करते हैं, तो जो जिन चीजों से भारत का रिफ्लेक्शन होता है, भारत की पहचान बनती है, भारत का प्रतिबिंब समाज के सामने आता है, वैसा शिक्षा का स्वरूप इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आधार होगा, तो स्वाभाविक बात है कि आगे का भारत उस दिशा में निर्मित किया जाएगा। एक दूसरा विषय, सामान्य रूप से शिक्षा में शिक्षा त्रयी की चर्चा आती है, हम सब लोग थोड़ा सा पुराने उसका अध्ययन करेंगे, तो शिक्षा त्रयी सूचना, ज्ञान और विवेक, निर्णय करना क्षमता, ये जो तीन चीजें हैं जिनके आधार पर शिक्षा त्रयी का निर्माण होता है, आज की भाषा में अगर उसको संदर्भित करेंगे तो इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है और विजडम है। शिक्षा में बड़ा भाग जब सिलेबस बेस्ड हो जाता है और केवल परीक्षाओं के तंत्र के आधार पर केवल डिग्री अर्जित करने वाला एक माध्यम मात्र बनता है, तो वो इंफॉर्मेशन तक सीमित रहता है। एजुकेशनल ट्राइंगल के अंदर हम जब विचार करते हैं, तो जो इंफॉर्मेशन का पार्ट है, जिसके आधार पर परीक्षाएं पास की जाती हैं, वो परीक्षा का भाग 1/3 से भी कम है। परीक्षा पास करके डिग्री अर्जित कर लेना, ये उसका एक मिनिमम पार्ट है जो इंफॉर्मेशन के आधार पर कैलकुलेट किया जाता है। दूसरा भाग है नॉलेज का, यानी जो सूचनाएं हमने प्राप्त की हैं, उसको हाउ कैन वी इंप्लीमेंट दैट, हम उसको क्रियान्वित कैसे कर सकते हैं। एक छोटा उदाहरण देता हूं। प्रवास के क्रम में मैं अपने एक विद्यालय में, विद्या भारती के एक विद्यालय में गया हुआ था।
तो छठी कक्षा के अंदर जो उस समय मैंने देखा कि एक मैथमेटिक्स का कालांश चल रहा है और हमारे शिक्षक आचार्य बंधु जो है वो गणित पढ़ा रहे हैं, एक सामान्य सा मैंने उनसे चर्चा की कि आपके इस कक्षा में जो गणित का मेधावी छात्र है, जो बिल्कुल 100% अंक प्राप्त करने वाला छात्र है, उस छात्र को जरा थोड़ी देर के लिए मेरे साथ भेजिए। उस विद्यालय के ठीक सामने में ही एक सब्जी मंडी है, उस छात्र से मैंने कहा कि ये 50 रुपए लीजिए और ये झोला लीजिए और आपको बाजार से सब्जी क्रय करके लाना है। क्या लाना है तो उसमें एक लिस्ट बना करके दी, 10 ग्राम धनिया लाना है, 15 ग्राम मिर्च लानी है, ऐसे छोटे छोटे आइटम बताए, परंतु कंडीशन एक ही रहेगी कि आपको ये सब क्रय करते समय किलो का भाव पूछना है। अब वो गणित का मेधावी छात्र अगर 20 रुपए किलो अगर धनिया मिल रहा है तो 15 ग्राम का दाम क्या होगा अगर इसको कैलकुलेट नहीं कर सकता, यानी जो नॉलेजेबल पार्ट है, इन्फॉर्मेशन के आधार पर, सूचनाओं के संग्रह के आधार पर केवल डिग्री अर्जित कर लेना ये भारत के भविष्य के लिए पर्याप्त नहीं है। उस अर्जित ज्ञान को क्रियान्वयन करने की सिद्धता अगर उसने अर्जित नहीं की, उसका जो नॉलेजेबल पार्ट है वो अगर उसके पास में नहीं आया है, तो स्वाभाविक बात है कि उस भविष्य के निर्माण में जो उसका रोल होगा, जो उसकी भूमिका होगी, वो ठीक ढंग से निर्वहन नहीं कर सकता। परंतु इतना ही सफिशियंट नहीं है, हमारी ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है ये इसके और एक कदम आगे जाकर के उसको प्रतिबिंबित करती है कि तीसरा है विवेक, विजडम, जो विजडम है, जो विवेक है, वो डिसीजन मेकिंग में आता है। हम आगे चल करके शिक्षा यानी ज्ञान अर्जित करने के बाद जब एक नागरिक के नाते से समाज में खड़े होंगे, समाज के विविध प्रकार के दायित्वों का निर्वहन कर रहे होंगे, उस समय हमारे विवेक के आधार पर कौन सी समय में, कौन सी भूमिका में, किस प्रकार का निर्णय करना, कौन सी बातों को कैसे कैरी ऑन कर करके लेकर के चलना, ये शिक्षा नीति के माध्यम से जो निर्मित पीढ़ी होगी, ये इन तीनों ही बातों के समावेश के आधार पर इस शिक्षा त्रयी की भूमिका को पूर्ण करेगी। वो डिग्रीधारी वाला होना एक विषय है, ज्ञान अर्जन करने वाला दूसरा विषय है, और विवेक के आधार पर निर्णय करना, उस निर्णय के आधार से आगे बढ़ना और उस भारत के भवितव्य के निर्माण में अपनी भूमिका का निर्वहन करना, ये जो डिसीजन मेकिंग का रोल रहेगा, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस भारत केंद्रित वाले पक्ष में इस प्रकार की परिस्थिति का निर्माण करेगी। एक चौथा विषय इसके साथ में जुड़ता है, जब कभी हम एग्जामिनेशन की बात करते हैं, परीक्षाओं की बात करते हैं, मैं क्योंकि लगभग 20 साल से इस विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान के तंत्र के साथ जुड़ा हुआ हूं, तो जब उत्तर प्रदेश में सामान्य दायित्व में था उससे लेकर के और केंद्रीय दायित्व तक, बहुत बार परीक्षाओं के समय में जिस प्रकार का एक टेंशन, तनाव, जिस प्रकार की भूमिकाएं ये दिखाई देती थी, ध्यान में आता था, बड़ा मानसिक क्लेश भी होता था कि ये जो बच्चे जितनी इस प्रकार के दबाव में रहते हैं, और आप सबको भी अनुभव, जो आप सब शिक्षाविद हैं, लंबे समय से शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, ध्यान में आता है कि बहुत अच्छे मेधावी छात्र अगर किसी प्रकार का कोई एक अंक उस कंपटीशन के कारण से न्यून हो गया, कम हो गया, उस कंपटीशन को बीट नहीं कर पाए, तो डिप्रेशन में आ जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। ये जो तनाव है, ये जो प्रेशर है, इस प्रेशर से कैसे रिमूव किया जाए, सर शुभमा सर आपका क्या हुआ, आपका माइक म्यूट हो गया था सर? अब ठीक है सर, अब ठीक है। तो मैं जो चर्चा कर रहा था कि इस तनाव से मुक्ति के लिए जिस प्रकार का प्रयास हम सब लोग परीक्षाओं के समय में देखते थे, तो ध्यान में आता था कि ये जो तनाव है, यानी जो इवेल्युएशन सिस्टम है, इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तंत्र के आधार पर उसको भी एक सरलीकृत करने का प्रयास किया गया है। यानी विद्या भारती की शब्दावली में अगर हम कहेंगे तो सतत और व्यापक मूल्यांकन, जब हम कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इस प्रकार के मूल्यांकन की बात करते हैं, तो सहजता से विद्यार्थी को परीक्षा देना ये एक सहज काम लगता है, परीक्षा देना ये एक ऐसा दबाव का विषय नहीं लगता है। और अभी हिमांशु जी उसकी कंपटीशन के युग की
केंद्र से कहीं से कोई वो हो रहा है क्या? मैं आप सबसे निवेदन करूंगा म्यूट ना करें प्लीज, यदि कोई करना होगा नहीं कर रहा है इसको। मैं सबसे निवेदन करूंगा पार्टिसिपेंट से कृपया कोई म्यूट ना करे, जब मिलते नहीं कर रहे हैं तो सर प्लीज करें। हाँ मैं तो इसको टच नहीं कर रहा। तो मैं जो चर्चा कर रहा था कि अभी जो कंपटीशन की चर्चा आई, इस प्रतियोगितात्मक युग में एक छोटी सी घटना अभी एक प्रवास के क्रम में एक पत्रिका में पढ़ने को मिली। एक बहुत छोटा सा देश है ग्लोब में, आपने शायद कभी निगाह पड़ी हो, कभी खोजा हो, पेरू नाम का देश है। तो एक लगभग 7-8 साल पुरानी घटना है वो। उस घटना में लिखा हुआ था उस पत्रिका के अंदर कि विश्व नौकायन दौड़, इसकी एक प्रतियोगिता हो रही थी, और उसके उन दूसरे प्रतियोगिता के पिछले 3-4 वर्षों से लगातार वो जो पेरू देश है वो उस विश्व नौकायन दौड़ में हमेशा प्रथम आता था। उस बार भी वही टीम उनकी उस विश्व नौकायन दौड़ के अंदर भाग ले रही थी। तो सहजता से दर्शक दीर्घा में जितने भी लोग बैठे हुए थे उन सबको ये आभास हो रहा था कि इस बार भी यही एक देश ये शायद प्रथम स्थान पर आएगा। लेकिन जब नौका दौड़ प्रारंभ हुई तो थोड़ी देर बाद देखा कि कोई और देश प्रथम आ गए, द्वितीय आ गए, तृतीय आ गए, उसके बाद भी पेरू की जो नौका है वो कहीं दूर दूर दिखाई नहीं दे रही है। लोगों को बड़ा आश्चर्य लग रहा था कि ये क्या हुआ, इतने टफ कॉम्पिटिशन में हमेशा विश्व में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली टीम ये कहीं दूर दूर चौथे पांचवें स्थान पर भी दिखाई नहीं दे रही है, और बहुत दूर शायद कहीं पीछे उनकी नौका होगी, ये परिवर्तन क्या हुआ, ये आखिर ऐसी कोई घटना क्या हो गई। बाद में वो नौका किनारे आकर के लगी तो उन लोगों से, उनके पत्रकार वगैरह थे, उन्होंने प्रश्न पूछा। अब इस घटना में प्रथम आना ये एक पक्ष है, परंतु एक दूसरा पक्ष जो उन्होंने बताया कि जब हम नौका दौड़ में दौड़ रहे थे तो हमारे समानांतर एक जो दूसरी नौका, इटली देश की एक नौका, वो जो दौड़ लगा रही थी वो कहीं ना कहीं एक मिस गाइडेंस के कारण से कहिए या गलत संचालन के कारण से कहिए वो उल्टी हो गई। आईटी टीम देखिए कौन नोट कर रहा है सर को, देखिए आईटी टीम प्लीज देखिए, आईटी टीम बाला जी एक बार देखिए, कोई डिलीवरी नहीं कर रहा है क्या म्यूट सर को, देखिए ऐसा सर प्लीज एक बार फिर कर दीजिए प्लीज। तो खैर कोई बात नहीं है, तो टेक्नोलॉजिकल मिस्टेक हो जाती है। तो मैं जो चर्चा कर रहा था कि उन्होंने बताया कि उस नौका के पलटने के कारण से जो उस खिलाड़ी घायल हो गए थे और जो ऐसा लगता था कि डूब जाएंगे, उनको बचाने के लिए हमने अपनी दौड़ को बाधित करके उनको बचाने का प्रयास किया। अब यह एक दो चीजें काम करती है, समानांतर काम कर रही है। एक है कि वो उस परिस्थिति को अवॉइड करके उस दौड़ में कंटिन्यूएशन अपना अगर भाग लेते रहते तो इस बार भी वही प्रथम आते और मेडल लेना, पुरस्कार लेना, जो कुछ भी उसका आर्थिक भी संबल था वो उन्हीं को प्राप्त होता। परंतु उससे ज्यादा महत्व, प्रथम आने से ज्यादा महत्व है हमारे जो दूसरे खिलाड़ी साथ में दौड़ रहे हैं उनकी प्राण रक्षा करना, ये जो पक्ष है सोचने का। आज के इस कंपटीशन में एक लंबे समय से जो रेट रेस चली आ रही थी, हमारा जो ये जो इवेल्युएशन सिस्टम है, इस समय की इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आधार पर जिस प्रकार के मूल्यांकन की प्रक्रिया को सरलीकृत करने का प्रयास किया जा रहा है उसके आधार पर उस प्रकार के तनाव से रहित हो करके कहीं ना कहीं विद्यार्थी उस परीक्षा का अंग बन सकेगा, इस प्रकार की स्थिति ध्यान में आती है। एक और विषय इसमें जोड़ने वाला समझ में आता है, धीरे धीरे शिक्षा इतनी महंगी होती जा रही है, हम सब लोग अधिकांश गांव से रिलेटेड हैं, ध्यान में आता है कि शिक्षा का जो कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन वाला जो पक्ष रहता है वो इतना प्रेशर विकसित कर रहा है, इतना दबाव विकसित करता जा रहा है कि उसके कारण से सामान्य विद्यार्थी जो आर्थिक दृष्टिकोण से अभावग्रस्त है या और किसी जैसे फिजिकली डिसेबल है या किसी भी कारण से पीछे रह सका है, उसको उस प्रकार का आधार कैसे मिले, वो संबल कैसे मिले, वैसी स्थिति
लेकिन मेरा इसमें एक आग्रह रहेगा कि इस दोनों बातों का विचार करते समय हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विषय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मानक को डायल्यूट करना यह अपेक्षित नहीं है। दोनों चीजें चाहिए, शिक्षा गुणवत्ता परक भी हो और शिक्षा व्यावसायिक दृष्टि से कहिए यानी कमर्शलाइजेशन वाली दृष्टि से थोड़ी सी उस कॉकस से बाहर भी निकले। ये जो दोनों बातें हैं इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कुछ इस प्रकार के जो प्रावधान किए गए हैं कि जिनके आधार जो क्लस्टर निर्माण का बात होगी या एक ही शिक्षक के द्वारा कई स्थानों पर विषय लेने की बात होगी, मैं उस शिक्षा नीति के उस पर्टिकुलर बिंदु का संदर्भ इसमें नहीं दे रहा, आप सब लोगों ने उसका अध्ययन किया है, मैं केवल कुछ मोटी बातें जिसके आधार पर आने वाले भारत का भविष्य प्रभावित होने वाला है उसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। ये दोनों बातें एक साथ पैरेलल लेकर के चलना, शिक्षा गुणवत्ता परक भी होनी चाहिए, अंतरराष्ट्रीय मानकों के आधार पर हमारे विद्यार्थी उस स्थानों को अर्जित कर सके इस प्रकार की कैपेबल भी होने चाहिए, परंतु आर्थिक दृष्टिकोण से उसका जो सरलीकरण चाहिए उस आधार पर कम पैसे में एक अच्छी शिक्षा, कम संसाधन में अच्छी शिक्षा ये कैसे दी जा सके, इस प्रकार का प्रयास ये एक इस शिक्षा नीति के आधार पर है। एक और बिंदु इसमें ध्यान में आता है, इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंदर पूरा तंत्र अगर आप शिक्षा का देखेंगे तो 47 के बाद जिस प्रकार से शिक्षा के ढांचे को बनाया गया वो अधिकांश मात्रा में अंग्रेजों ने जो किया उसको छोड़ दीजिए, वो उनकी अपनी अपेक्षाएं रही होंगी, उनका अपना हेतु रहा होगा, परंतु भारत के आजादी के बाद शिक्षा शासन अवलंबित न होकर के समाज जो अवलंबित होनी चाहिए थी इस पर शासन का अंकुश कम मात्रा में कैसे हो इसका प्रयास करने की बजाय धीरे धीरे शासन का अंकुश बढ़ता चला गया। एक कहीं बेसिक शिक्षा अधिकारी है तो फिर DIOS है तो उसके ऊपर ज्वाइंट डायरेक्टर है, उसके ऊपर डायरेक्टर, एक इस प्रकार की लेयर्स बनाई गई कि जिसके आधार पर हमारे जो शिक्षक है, एक सामान्य सी शब्दावली बोली जाती है कि अगर देश का निर्माण करना है तो शिक्षा का निर्माण करिए और शिक्षा का आधार शिक्षक है, शिक्षक जैसा होगा, जैसा टीचर होगा, जैसा आचार्य होगा, वैसा ही शिक्षा चलेगी, वैसे ही विद्यार्थियों का निर्माण होगा और जिस प्रकार की शिक्षा होगी उस प्रकार की भारत की पीढ़ी और भारत का भविष्य भी निर्माण होगा। तो शिक्षक को भी दबाव से रहित रखना, शिक्षक की इंस्पिरेशन, शिक्षक का डेडिकेशन, शिक्षक कैपेबल हो, ये सब बातें आवश्यक है। उसके लिए ट्रेनिंग के मॉड्यूल्स बनाए जाएं, उनको इंस्पायर करने के लिए विविध प्रकार के मोटिवेशन के कोर्स चलाए जाएं, ये सब कुछ एक्सेप्टेबल है, परंतु शिक्षक के ऊपर एक दबाव का वातावरण अगर बनाया जाएगा, आप शिक्षक हैं तो कितनी क्लास ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं तो ये होगा वो होगा, ये जो नेगेटिविटी की मैं चर्चा नहीं कर रहा, परंतु ज्यादा मात्रा में उस शासन तंत्र का जो दबाव शिक्षक के ऊपर रहा, शिक्षा के संपूर्ण एक व्यवस्था के ऊपर रहा, उस व्यवस्था वाला पक्ष ज्यादा प्रभावी हो गया और शिक्षक गौण हो गया। वास्तव में शिक्षक ही आइडियल चाहिए। आज के बच्चों के सामने जब हम किसी हीरो की बात करते हैं, नायक की बात करते हैं, तो कोई एक शिक्षक उसका आइडियल नहीं सामने आता, बहुत गिनती के नाम चर्चा में आते हैं, परंतु अध्ययन करने वाला सामान्य विद्यालयों में पढ़ने वाला विद्यार्थी अगर उसका शिक्षक उसके लिए हीरो नहीं है, उसका नायक नहीं है, तो निश्चित बात है कि वो उसका जिस प्रकार से उसको इंस्पायर होना चाहिए, जिस प्रकार से उसके आधार पर सीखना चाहिए, वो सीखने की प्रक्रिया ये न्यून हो जाएगी। एक और बिंदु बहुत अच्छा इस शिक्षा नीति के अंदर जो प्रस्तुत किया गया है कि जो बेसिक एजुकेशन है, जो प्राइमरी एजुकेशन है, वो मातृभाषाओं में होनी चाहिए, स्टेट लैंग्वेज कहेंगे या मदर लैंग्वेज कहेंगे। कारण क्या होता है, अंतर कहां आता है कि जब हम इस प्रकार की शिक्षा की बात करते हैं तो वो जो 7-8 वर्ष 9 वर्ष 10 वर्ष का जो बालक बालिका रहता है उसके मन में, उसके मस्तिष्क में कौन सा भाग ज्यादा प्रेशर डेवलप कर रहा है, ये विचार करने का है। अगर हम किसी अंग्रेजी की बात हो या और किसी भाषा की बात हो उसमें विषय का प्रस्तुतिकरण कर रहे होंगे तो निश्चित, इसमें हम सब लोगों की अधिकांश की मातृभाषा हिंदी होने के कारण हम लोग हिंदी में चर्चा कर रहे हैं तो विषय की चर्चा करना सरल हो रहा है और वक्ता के लिए भी जो आइडियाज मस्तिष्क में आते हैं उनका प्रेजेंटेशन करना सरल हो रहा है।
अन्यथा एक डबल लेयर काम करती है, एक बार विचार आता है फिर उसकी ट्रांसलेशन होती है, और सबसे बड़ी न्यूनता क्या होती है कि एग्जैक्ट वर्ड, एक ठीक समीचीन जो शब्द चाहिए, क्योंकि हर भाषा का अपना अलग एक भाव होता है, उस भाव के आधार पर भाषा का विकास होता है। तो इस प्राथमिक शिक्षा में उन बच्चों के मस्तिष्क पर, उस कोमल मस्तिष्क पर अगर अनुवाद की प्रक्रिया का दबाव होगा तो मौलिक चिंतन मर जाएगा। जो एक नेचुरलिटी आनी चाहिए, एक नेचुरल ब्यूटी होनी चाहिए, एक प्राकृतिक जो मस्तिष्क में विचारों का प्रस्फुटन होता है, एक इनोवेटिव आइडिया जिसको सामान्य रूप से कहा जाता है, नवाचारिक पद्धति से सोचने की मस्तिष्क के अंदर जो हम लोग साइंस में जो पढ़ते थे, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड, ये जो सबकॉन्शियस माइंड है ये उसमें सक्रिय नहीं हो पाता। मातृभाषा के माध्यम से जब शिक्षा का विषय चलता है तो स्वाभाविक रूप से विद्यार्थी अपने आसपास के परिवेश में, परिवार के परिवेश में, विद्यालय के परिवेश में सम्यता कर पाता है। उसके सामने जो उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, उसके सामने जो चर्चाएं रखी जाती हैं, वो सभी बातें उस प्रकार की होती हैं जिनकी वो अनुभूति कर चुका है। मैं कई बार अपने विद्यार्थियों के साथ में और अध्यापकों के साथ में एक मनोविरोध में एक बात कहा करता हूं। मैंने कहा ए फॉर एप्पल बताते हैं, ए फॉर अमेरिका क्यों नहीं बढ़ाते आप, या ए फॉर कोई दूसरी चीज, क्योंकि एप्पल ये उसके लिए नॉन है, ये जो सेव है ये उसके लिए नॉन फिगर है, वो जानकारी रखता है। उस एप्पल के माध्यम से ए का परिचय हम करा रहे हैं। तो नॉन टू अननोन जाने की जो प्रक्रिया रहती है, इसमें मातृभाषा ये सर्वाधिक साइंटिफिक है, सर्वाधिक उस मस्तिष्क के उस सबकॉन्शियस माइंड का विकास करने का एक बड़ा आधार है। इस नाते से इस विषय को इस शिक्षा नीति के अंदर जो लिया गया, ये एक बहुत अच्छी बात इस भारत के भविष्य की पीढ़ी को निर्माण करने में आएगी। एक अगला बिंदु ध्यान में आता है, वो है अनुसंधान। अब एक मैं इसमें थोड़ी सी दो बातों को जोड़ने का प्रयास करता हूं। पिछले 4 वर्षों से कक्षा 6 से लेकर के 12 के विद्यार्थियों के लिए एक नीति आयोग ने एक ATL नाम की व्यवस्था प्रारंभ की, अटल टिंकरिंग लैब। अटल जी के नाम पर कुछ नवाचारित पद्धति से कुछ प्रयोग करने के लिए एक लैब का निर्माण किया जाए, उसके लिए नीति आयोग के द्वारा 20 लाख रुपया दिया जाता है, शेष संसाधन विद्यालय अपना स्वयं वहन करता है, आदि आदि। उसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे, आप सब उसके बारे में जानते हैं। तो वो जो अटल टिंकरिंग लैब है, विद्या भारती के भी बहुत से विद्यालयों के अंदर वो स्थापित हुई है, पूरे देश भर में आज लगभग 20,000 से अधिक अटल टिंकरिंग लैब हो गई है। उन मैं विज्ञान का विद्यार्थी होने के नाते से मेरी रुचि का विषय भी रहता है, और प्रवास में उन लैब को मैं देखने के लिए भी जाता हूं। तो ध्यान में क्या आ रहा है कि जब अनुसंधान की बात आती थी, रिसर्च की बात आती थी, तो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद हम सब लोगों ने भी MSc के बाद में रिसर्च करना है या PhD करना है, इस प्रकार के भाव में आगे बढ़े। परंतु ये जो रिसर्च है, ये तो एक विचार का विषय है, एक मस्तिष्क में निरूपण करने वाला, बीजारोपण करने वाला आइडियाज, नए नए प्रकार के विचार, नए नए प्रकार के प्रश्न, ये तो शैशव अवस्था से ही आने लगते हैं। आप लोगों ने महसूस किया होगा, आप 2 साल के 1.5 साल के बच्चे के हाथ में कोई खिलौना दे दीजिए, कोई ऐसा चाबी से चलने वाला, कोई डमरू बजाने वाला बंदर आपने हाथ में दे दिया, वो 200 रुपए का खिलौना पिताजी लेकर के आते हैं, परंतु वो 2 घंटे के अंदर ही उसको तोड़ फोड़ करके बराबर कर देता है। मैं संघ का प्रचारक हूँ, बहुत से परिवारों में जाने आने का मौका मिलता है, तो बहुत बार ये शिकायत सुनने को मिलती है कि ये जो बच्चा है ये भाई बड़ा शैतान हो गया। मैं क्या हो गया, कह देखिए 200 रुपए का खिलौना लाए थे और इसने 2 घंटे में तोड़ दिया। मैंने कहा आप उसकी जिज्ञासा की तरफ जाइए, वो ये महसूस करना चाहता है, वो ये अनुभव करना चाहता है कि ये जो बंदर है, ये जो ढोल बजा रहा है, ये कैसे काम कर रहा है। ये जो जिज्ञासु वृत्ति है, यही वास्तव में रिसर्च को ओरिएंटेड करती है, रिसर्च की तरफ मोटिवेट करती है, रिसर्च के लिए कुछ करने की परिस्थितियां निर्माण करती है। इस ATL के माध्यम से पिछले 4 वर्ष से जो प्रयास किया जा रहा था, आज इस नई शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंदर इस अनुसंधान की प्रक्रिया को बहुत अच्छा एक वेटेज देने के कारण से हम उस प्रकार के लोगों को निर्मित कर सकेंगे। ध्यान में आता है कि 130 करोड़ की पॉपुलेशन वाला देश, कोई नोबल लॉरियट पैदा करना, जब हम कुछ नहीं थे
तब हमने हरगोविंद खुराना से लेकर के और जेसी बोस तक कितने नोबेल लॉरिएट दिए होंगे, परंतु आज की शिक्षा की रचना में उस प्रकार के नवाचारित विषयों को लेकर के क्रियाशील होने का आधार कम हुआ। तो एक ये बिंदु भी ही इसके साथ में बहुत अच्छा ये प्रयास किया जा रहा है कि जिसके आधार पर इन बातों का निर्माण किया जाएगा। एक और बात जो विद्यार्थियों के लिए मार्केबल है वो है विकल्प। ध्यान में आता था कि अगर हमने 5 साल का कोई बीटेक में एडमिशन लिया और 2-3 साल के बाद में किसी परिस्थिति के कारण से अगर हमने कोई वो हमारी जो शिक्षा है उसकी कंटिन्यूटी को अगर किसी कारण से भंग हो गई, पारिवारिक परिस्थिति या और किसी कारण से भी, तो लगता था कि वो 3 साल वेस्ट हो गया, उसका समय भी गया और पैसा भी गया। परंतु अब 2 साल की डिग्री के 2 साल के बाद में क्या मिलेगा, 3 साल के बाद क्या मिलेगा, 4 साल के बाद क्या मिलेगा, अर्थात जो कुछ हमने अध्ययन किया है उन विद्यार्थियों के पास उस अध्ययन किए हुए समय का वेटेज लेने की बात। 2 साल किया है तो डिप्लोमा, 3 साल किया डिप्लोमा मिले, 2 साल किया डिप्लोमा मिलेगा, 1 साल किया सर्टिफिकेट कोर्स मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा, 3 साल किया है तो डिग्री मिलेगी, ऐसे ये जो अलग अलग प्रकार के विकल्प दिए जा रहे हैं। और एक दूसरा विकल्प, कभी कभी मुझे बड़ा एक प्रकार से कहिए कि मन में एक अजीब सी ग्लानी अनुभव होती है। क्या ग्लानी अनुभव होती है? मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रचारक हूँ, पिछले 37-38 साल से संघ के दायित्व के साथ में विभिन्न प्रकार के कामों में लगा हुआ हूं, परंतु संघ के प्रचारक होने के बाद मैंने कुछ संस्कृत का अध्ययन किया तो आज कुछ 10-20-50-100 श्लोक ये मुझे पढ़ने को मिल गए। विज्ञान का विद्यार्थी होने के नाते से कक्षा 9th के बाद संस्कृत पढ़ने का अवसर ही मेरे जीवन में नहीं रहा। उसके कारण से जो हमारा पौराणिक ज्ञान है, जो वास्तव में ज्ञान का भंडार है संस्कृत वांग्मय में, उसको स्पर्श करने का अवसर भी नहीं मिला। अभी मैं प्रवास के क्रम में हमारे एक बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं संस्कृत भारती के, जो विज्ञान के भी बड़े तज्ञ हैं, उनसे चर्चा हो रही थी तो उन्होंने एक बात बताई कि हमारा ये जो अलग अलग प्रकार का क्लासिफिकेशन रहा कि विज्ञान पढ़ने वाला विद्यार्थी ये संस्कृत नहीं पढ़ेगा, उसके कारण से न्यूनताएं क्या क्या आई हैं, वो उसका एक उदाहरण दे रहे थे। वो बता रहे थे कि भारद्वाज का वैमानिक शास्त्र ऐसे ग्रंथ का मैं अध्ययन कर रहा था, मूलतः वो विज्ञान के विद्यार्थी रहे हैं, बाद में संस्कृत का अभ्यास धीरे 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 15-20 साल से संस्कृत का अभ्यास कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि उस वैमानिक शास्त्र के अध्ययन करते समय वहां एक शब्द आया शिशिर ग्रीवा। तो शिशिर ग्रीवा का जो शाब्दिक अर्थ रहता है, अब साइंटिफिक वोकैबुलरी को छोड़ दीजिए, तो संस्कृत में शाब्दिक जो अर्थ रहता है, शिशिर यानी मोर, ग्रीवा यानी गर्दन, तो ध्यान में आया कि भारद्वाज जी ने वैमानिक शास्त्र की रचना करते समय इस विमान के तंत्र में मोर की गर्दन का क्या उपयोग किया होगा। तो मेरे मन में ऐसा बड़ा एक जिज्ञासा थी, बाद में संस्कृत के एक विद्वान के साथ मिला तो हमारे वो अधिकारी कार्यकर्ता बता रहे थे कि संस्कृत के विद्वान से मिला और जब मैंने उस ये जिज्ञासा उनके सामने प्रकट की तो वो बड़े तेज हंसे। उन्होंने कहा कि आपने संस्कृत का सामान्य अध्ययन किया है, वो जो साइंटिफिक वोकैबुलरी है, वो जो शब्दावली है, जो विज्ञान सम्मत शब्दावली है, उसका अध्ययन नहीं किया। ये वास्तव में शिशिर ग्रीवा ये कॉपर सल्फेट है। और आज भी हमको सबको मालूम है कि विमान के ऊपर जो आउटर लेयर रहती है वो कॉपर सल्फेट की रहती है। यानी किस प्रकार के विषयों को किसके साथ जोड़ करके पढ़ना, हम विज्ञान पढ़ रहे हैं तो हम इतिहास पढ़ सकते हैं क्या, हम संस्कृत साथ में पढ़ सकते हैं क्या, इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उस प्रकार का एक स्वरूप, इस प्रकार का एक अवसर ये भी दिया गया है। एक और बिंदु इसके साथ में जोड़ता है कि स्कूली एजुकेशन में भी और हायर एजुकेशन में भी जो एक स्ट्रक्चरल चेंज जिसको हम कहेंगे, एक तंत्रात्मक चेंज जो किया गया, जब हम 10+2 की शिक्षा की बात करते थे और आज 5+3+3+4 इस प्रकार के रचना की जब बात करते हैं, तो 3 साल की उस शैशव अवस्था के बाद जिस प्रकार की स्थितियां निर्माण होंगी, जिसको फाउंडेशन कोर्स कहा गया, वो जो प्रारंभिक 5 साल है, यानी विद्या भारती में हम जिसको शिशु वाटिका कहते हैं, अरुण उदय प्रभात, अंग्रेजी भाषा के अंदर जिसको लोअर केजी, अपर केजी 1, अपर केजी 2 कहा जाता है, वो 3 साल और क्लास 1 एंड 2 यानी पहली क्लास और दूसरी क्लास,
इसको मिलाकर के फाउंडेशन चौथी तीसरी चौथी और पांचवी इसको मिलाकर के जो प्लस 3-1 और प्लस 3-2 यानी छठी सातवीं आठवीं और फिर प्लस 4 यानी नौवीं दसवीं ग्यारहवीं बारहवीं, ये जो चेंज है ये एक मनोवैज्ञानिक परिवर्तन जो आता है विद्यार्थियों की अवस्था में, जो मनोवैज्ञानिक चेंज आता है, एक साइकोलॉजिकल जो चेंज आता है, सोचने की क्षमता, मैच्योरिटी, अनुभवशीलता। हम लोग एक बहुत बचपन से एक श्लोक सुनते थे, शायद हम सबको ध्यान में होगा, लाल ये पंचवर्षानी दस वर्षानी ताड़िए पुत्रम षोडशो वर्षे मित्रम पुत्रम समाचरे, तो ध्यान में नहीं आता था इसका अर्थ क्या है, ये अर्थ मैंने शाब्दिक अर्थ ध्यान में आता था, लेकिन इसका ये इस प्रकार की शब्दावली क्यों बनाई गई होगी। आज जब इस 5+3+3+4 की बात करते हैं तो ध्यान में आता है कि जो मनोवैज्ञानिक परिवर्तन उस अवस्था के आधार पर होता है, उस प्रकार का कॉलम बनाने से जब हम अलग प्रकार के मनोविज्ञान के अंदर अध्ययन करेंगे तो सहजता से विकास ये परिपक्वता के आधार पर आगे बढ़ेगा। ऐसे बहुत प्रकार के परिवर्तन हैं, एक एक बिंदु की चर्चा करेंगे तो शिक्षा नीति काफी लंबी हो जाएगी, बड़ा विषय हो जाएगा। कुछ विषयों के संदर्भ में मैंने केवल एक सांकेतिक, एक उच्च शिक्षा आयोग की बात आई है, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इस प्रकार की मानकीकरण करने वाली एक व्यवस्था बनेगी उच्च शिक्षा में, इसका भी एक बिंदु आया है जिसके आधार पर गुणवत्ता की तरफ दृष्टि आएगी। लेकिन इन सभी प्रकार की बातों को अगर हम एक जगह समेटते हैं, कभी एक समय में विद्यार्थी के एप्टीट्यूड टेस्ट में मूल्यांकन करते समय केवल जो इंटेलिजेंसिया का जो विषय रहता था, यानी आईक्यू का जो विषय रहता था, केवल उसी क्वेश्चन की बात आती थी। जब हम भारत केंद्रित शिक्षा के लिए चर्चा करना प्रारंभ करेंगे तो आईक्यू ये सफिशियंट नहीं है, आईक्यू भी चाहिए, इमोशनल क्वेश्चन भी चाहिए, ईक्यू भी चाहिए, स्पिरिचुअल क्वेश्चन भी चाहिए, एसक्यू भी चाहिए, यानी दीनदयाल जी के शब्दों में व्यष्टि से परमेष्टि की जो एक कल्पना की गई, व्यक्ति है परिवार का घटक है, परिवार है समाज का घटक है, समाज है राष्ट्र का घटक है, राष्ट्र है सृष्टि का घटक है, और ये सृष्टि संपूर्ण उस परमेष्टि की जो परिकल्पना है, उस ब्रह्म स्वरूप परमेष्टि की परिकल्पना का एक घटक है, और सभी का हित एक दूसरे में समाहित है। परिवार का हित होगा तो व्यक्ति का हित ऑटोमेटिक होगा, समाज का हित होगा तो परिवार का हित होगा, राष्ट्र का हित होगा तो समाज का हित होगा। इस प्रकार की जो हमारी भारतीय संकल्पना रही है, जिसको हमने सर्वे भवन्तु सुखिने, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, इसमें सर्व की बात की गई है, सभी सुखी हो, सभी निरोग हो, कहीं भी ये नहीं कहा कि मैं सुखी हूं और पड़ोसी दुखी हो जाए, पड़ोसी दुखी हो जाए ये नेगेटिविटी है, लेकिन मैं अकेला सुखी हूं इसको भी हम केवल पॉजिटिविटी नहीं मान सकते। एकांगी विचार ये भारतीयता का दृष्टिकोण कभी नहीं रहा। इस नाते से ये संपूर्ण शिक्षा तंत्र जब भारत केंद्रित शिक्षा की बात करता है तो स्वाभाविक रूप से चरित्र निर्माण करना, और जिस चरित्र की प्राकाष्ठा की हम बात करते हैं, आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पंडितः, ये जो बात कही गई, अपने समान यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, उस पंच महाभूत घटक के अंदर सब समाहित हैं, उस प्रकार की दृष्टि विद्यार्थी की विकसित हो सके। वो विद्यार्थी जब समाज का नेतृत्व करेगा, आगे चल करके विविध प्रकार के दायित्वों का नेतृत्व करेगा, तो वो जो समाज है वो उस भारत को उस प्रकार की परिकल्पना पर लेकर के जाएगा। हम सब लोग जो विचार करने वाले, शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले लोग बार बार बोलते हैं कि ये भारत माता फिर से जगत गुरु वंदनीय स्थान पर आरूढ़ होगी, अर्थात विश्व को नित्य प्रदान करने वाली होगी, और विश्व का वो स्वरूप सोच रहे हैं कि उस शांति प्रियता के आधार पर विश्व खड़ा होगा, ये चित्र के आधार पर ही संभव हो सकता है। मुझे एक बहुत प्रसिद्ध कवि हुए हैं जिन्होंने, जिनकी कविताओं को हम लोग संघ के विविध प्रकार के कार्यक्रमों में बोलते रहते हैं, मैं अंत में उसकी एक स्टेंजा ये आपके साथ शेयर करूंगा और उसके साथ अपनी बात को पूर्ण करता हूं। उन्होंने उसने उस कविता में कहा है, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण में भूलें, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण में भूलें। अब इस पंक्ति को कहते कहते उन्होंने कहा है कि माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है,
किंतु डूबना मझदारों में साहस को स्वीकार नहीं है। शील विनय आदर्श श्रेष्ठता तार बिना झंकार नहीं है। और ये जो अगली पंक्ति है जो हमारे शिक्षा नीति के साथ संदर्भित होती है, शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक का आधार नहीं है। वो जो नैतिकता का आधार नहीं होगा तो नीति बनाने से काम नहीं चलता। शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी, शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है। जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूले, जो रिसर्च की बात मैंने इसमें की, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। तो ये जो चरित्र का एक संगोपांग, एक हमारा स्वरूप है, उस स्वरूप को प्रकट इस शिक्षा नीति के आधार पर किया जा सकता है। और अंत में मैं केवल आप सब का, हम सब लोग जो शिक्षक वृंद हैं, जिसके ऊपर ये पूरा क्रियान्वयन का एक दारोमदार है, आधार है, सब कुछ नीति में अच्छा होने के बावजूद भी हम शिक्षक जिस दृष्टि से अपने क्लास टीचिंग के अंदर, कक्षा शिक्षण में इसको क्रियान्वित करेंगे, उसी प्रकार का भवितव्य निर्माण होगा। इस नाते से पूरी शिक्षा नीति का अगर केंद्र हम कहें, पिन करने वाला, तो वो शिक्षक है। उस शिक्षक के बारे में विचार करने के लिए पर्याप्त उसका स्वाभिमान, उसका सम्मान, उसका स्वावलंबन आदि आदि विषय भी इस शिक्षा नीति के आधार पर लेने का प्रयास हुआ है। मुझे लगता है नीति बहुत अच्छी बनी हुई है, परंतु भारत का भवितव्य जिस कल्पना के साथ हम सोच रहे हैं वो साकार स्वरूप तभी होगा जब हम सभी शिक्षक मिल करके एक स्वर के साथ, अपने पूरे फुल इंस्पायरेशन के साथ में इस शिक्षा नीति को कक्षा शिक्षण में प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट वाले पार्ट पर ले आए। निश्चित बात है हम सब लोग उस काम में लगे हुए हैं, तभी हम इसका विचार भी कर रहे हैं। आप सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ शिक्षाविदों का ये आह्वान करते हुए कि हम सभी इसको एक ठीक दृष्टि को ध्यान में रख करके, जिस दृष्टि से इस 4 सालों के मैराथन के बाद ये शिक्षा नीति बन करके आई है, उसी दृष्टि को ध्यान में रख करके इसको कक्षा शिक्षण तक नीचे तक उतारें, इस प्रकार का आह्वान करते हुए मैं अपनी बात पूर्ण करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छी तरीके से, बहुत सुंदर तरीके से आपने आज के विषय को हमारे सामने रखा, जिसमें ऐतिहासिक परिदृश्य भी था और आज की इस आधुनिक युग में जो 5 स आपने बताया, जिसमें साधन के रूप में या साधक के रूप में या साधना के रूप में, सिद्धि के रूप में, किसी प्रकार से निश्चित रूप से हमें आज की जो व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था, इसमें गुणवत्ता की बात भी करनी है, जो इंटरनेशनल पैरामीटर्स है उसको भी साथ में ध्यान में रखने की जरूरत है, उसकी व्यवहारिकता को भी ध्यान में रखने की जरूरत है, और साथ में साथ जो आपने बात कही चरित्र निर्माण, ये अत्यंत आवश्यक है। ये हम सब सबकी जिम्मेदारी है, जितने शिक्षक वृंद है इन सबकी जिम्मेदारी है कि जो भविष्य निर्माण हम कर रहे हैं बच्चों का, वो चरित्र के ऊपर विशेष तौर पर हमको ध्यान देने की जरूरत है। और निश्चित रूप से सर आपने जो बात कही इस पर मैं भी पूरी तरह से एग्री हूँ कि केवल शिक्षा नीति बनाने से काम नहीं चलेगा, उसको जब तक ये प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट ना किया जाए, और इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी हम सब शिक्षक वर्ग की है, हम इस शिक्षा नीति को प्रॉपर तरीके से समझें, उसमें क्या क्या प्रावधान दिए गए उसको बारीकी से समझकर उसको बेहतर तरीके से किस प्रकार से इम्प्लीमेंट कर सकें, इसके लिए अपने निश्चित रूप से प्रयास हमको जारी रखने चाहिए। सर आपका बहुत बहुत पुनः पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं उम्मीद करता हूँ कि लगातार आपका मार्गदर्शन हमको प्राप्त होता रहेगा। अब कार्यक्रम की अगली कड़ी के रूप में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे मार्गदर्शक आदरणीय वाइस चांसलर सर राणा कृष्णा पाल सिंह सर, जो शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं। सर आप आमंत्रित है प्रकटन रिमार्क के लिए। आदरणीय राणा कृष्णपाल सिंह सर, सर सुन पा रहे हैं? आदरणीय वाइस चांसलर सर आप सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही सर? शायद उद्धक आवाज नहीं खुल पा रही, शायद कनेक्टिविटी इशू है शायद मेरे ख्याल से। निश्चित रूप से
एक मिनट लगेगा देखने से। अदानी भाई मौजूद हैं सर, मौजूद हैं, मुझे लगा अब कुछ कनेक्टिविटी इशू है शायद मेरे से। सर आप माइक को अनम्यूट कीजिएगा सर, म्यूट है सर आपका माइक। वाइस चांसलर सर आप सुन पा रहे हैं सर हमें? ये ऑनलाइन मोड की कुछ समस्याएं होती, कुछ लिमिटेशंस हैं निश्चित रूप से जो हमारे हाथ में नहीं है। मैं कार्यक्रम के अग्रिकारी के रूप में अदय शक्ति राय मैम को आमंत्रित करना चाहूंगा धन्यवाद ज्ञापन के लिए। अदय शक्ति राय मैम सर फिर जुड़ चुके हैं हमसे, एक बार फिर जुड़ चुके हैं आदरणीय वाइस चांसलर सर, अब आमंत्रित है प्रतिनिधिमंडल के लिए। हाँ जी, आवाज आ रही मेरी? जी सर, जी सर, जी सर, आ रही सर, आ रही है। जी सर, जी सर, प्लीज आ रही है सर। जी, रिफ्लेक्टिव डिस्कोर्सेज ऑन ट्रांसफॉर्मिंग द एजुकेशन सिस्टम एंड रिशेपिंग द 21st सेंचुरी भारत, इस विषय पर अक्टूबर और नवम्बर को मिला करके जैसा हमारी रजनी रंजन सिंह जी से बातचीत हुई थी, और इसमें आज का भविष्य के भारतीय शैक्षिक तंत्र का पुनर्गठन, इस विषय पर आज का व्याख्यान विश्व के सबसे बड़े सामाजिक संगठन में लगभग 40 वर्षों से प्रचारक के रूप में कार्य कर रहे, वर्तमान में विद्या भारती के राष्ट्रीय मंत्री के रूप में जिनका मार्गदर्शन इस विषय पर मुझे मिला, वैसे तो आपसे बहुत पहले से ही संबंध है, परंतु आज इस विषय को सुनकर के और आपका मार्गदर्शन इस विषय पर मिला, आपको मैं प्रणाम करता हूँ और बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि ये जो शुरुआत का बिल्कुल जो हमारा लेक्चर है वो बहुत ही इस विषय पर अच्छा है। साथ ही मैं नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद विजुअल डिसेबिलिटी दिव्यांगजन देहरादून के श्रीमान हिमांशु दास जी, आपको भी मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरे विश्वविद्यालय के साथ जुड़ करके और इस कार्यक्रम के आयोजन में सहभागिता की, तो आपको भी प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस कार्यक्रम के आयोजक एक तरह से रजनी रंजन सिंह और शिरपुरकर जी दोनों जो दोनों संस्थानों से जुड़े हुए हैं, साथ ही जितने भी इस आयोजन में लगे हुए हैं और साथ ही जो इस कार्यक्रम में प्रतिभाग कर रहे हैं, मैं सभी का एक तरह से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और आपको इस कार्यक्रम के जुड़ने के लिए आभार व्यक्त करता हूं। माननीय शिव कुमार जी का जो व्याख्यान था, एक तरह से वो संपूर्ण जो शिक्षा नीति 29 जुलाई को हमारे कैबिनेट से आगे निकल करके जो आई, उस पर करीब करीब सारी चीजें उन्होंने कवर कर ली, यानी एक तरह से क्या इसके अवधारणा क्या होनी चाहिए, एक तरह से मंत्रालय जो मानव संसाधन विकास के रूप में चल रहा था उसका नाम बदल करके एक तरह से शिक्षा मंत्रालय के रूप में, और एक तरह से हमारे शिक्षा तंत्र में जो हमारे राष्ट्र के यानी अपने देश भारत के जो नैतिक मूल्य हैं उनको किस तरह से समाहित करके शिक्षा बननी चाहिए उस विषय को भी लिया, तीन अवयव जो उन्होंने डिग्री एक तरह से जो है उस ज्ञान और विवेक जो कि डिसीजन मेकिंग एक तरह से होता है उस पर आपने विचार किया, और एक तरह से आपने ये भी कहा कि हमारी शिक्षा जो होनी चाहिए वास्तव में वो भारत के लिए तो उपयोगी होनी ही चाहिए परंतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी वो मान्य होनी चाहिए और उसकी एक जो है वो गरिमा होनी चाहिए, उस विषय को भी आपने इस पर समाहित किया, और साथ ही जो है वो जो हमारा मातृभाषा का जो फार्मूला है उसमें नीचे के स्तर से, क्योंकि ज्ञान जो है अगर अपनी भाषा में मिले तो मुझे लगता है वो बहुत ज्यादा ग्राह्य होता है, और जैसा आपने कहा कि उसको अगर हम ट्रांसलेट करके समझने की स्थिति में जाएंगे तो मुझे लगता है कि वो कठिन होता है, तो ये चीज जो एक आस्पेक्ट है, यानी कुल मिलाकर के जो आपने बिल्कुल अंत में चीज बताई, एक तरह से मेरा जो मानना है कि एक तरह से वैश्विक मानव
का निर्माण और जो फिर आपने जो विश्व कल्याण की बात करी, तो वास्तव में शिक्षा और फिर जो निर्माण हमारे मनुष्य का होना चाहिए वो उसी दृष्टिकोण से होना चाहिए कि जो संपूर्ण विश्व को अपना एक तरह से समझ करके और उसके कल्याण के लिए आगे बढ़े, ऐसा एक शिक्षा का जो प्रतिरूप है, मुझे लगता है कि आपने जो अपने करीब 40-45 मिनट में मार्गदर्शन किया उसमें कुल मिलाकर के यही चीज आती है। इसलिए मैं कोई विशेष इस पे चीजें जोड़ने की नहीं जोड़ूंगा, परंतु मैं पिछले उसका करता हूँ। यहाँ आने के पहले साइंस कांग्रेस 2019 में जालंधर में हुई थी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी उसमें आए हुए थे, और प्राय वो प्रधानमंत्री ही 3 से 7 के बीच में जो साइंस कांग्रेस होती है उसका उद्घाटन करते हैं। तो अपने उद्घाटन भाषण में उन्होंने जो चीजें बताई थी, उन्होंने जिक्र किया था हमारे जय जवान जय किसान का, यानी लाल बहादुर शास्त्री जी का। फिर उन्होंने जिक्र किया जो है माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जय विज्ञान का जिक्र किया था, और उसके बाद उन्होंने जो एक चौथा तंत्र जोड़ा था जय अनुसंधान का, यानी जय जवान जय किसान जय विज्ञान और फिर चौथा उन्होंने जय अनुसंधान का। और उन्होंने अभी आपने माननीय दीनदयाल जी का भी जिक्र किया, मानव एकात्मवाद और उनसे जुड़ा हुआ, तो उनका जो कहना था कि भाई विज्ञान और जो अनुसंधान है वो दोनों को जोड़ करके, यानी वैज्ञानिकों का एक तरह से उन्होंने आवाहन किया, और उस आवाहन में उन्होंने यही कहा कि आप जो है इस देश को आगे ले चलने के लिए अनुसंधान करिए, और उस अनुसंधान का जो एक तरह से आप कह सकते हैं कि निष्कर्ष निकलता है, यानी देश को तो उससे फायदा होगा ही, परंतु उसको जो हमारे समाज की सबसे नीचे की सीढ़ी पर, यानी नीचे पायदान पर खड़े लोग हैं, उनको भी इसका फायदा मिले, इस चीज पर विशेष ध्यान रखिए, यानी अनुसंधान के प्रति उन्होंने जो एक बात कही। अब उसको मैं जोड़ता हूँ, अभी 29 जुलाई के बाद जब ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है आई है, और उसके बाद 15 अगस्त के भाषण में उन्होंने जो एक विशेष आह्वान किया था वो इस चीज को लेकर के किया था कि हमको इस देश को आत्मनिर्भर बनाना, यानी एक आत्मनिर्भर भारत की जो परिकल्पना उन्होंने की थी उस पर वो विशेष। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो अपनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है और उसके जितने अवयव हैं, विशेष रूप से हम सभी जानते हैं कि इसमें जितने भी होते हैं वो शिक्षक विद्यार्थी विधा क्या होनी चाहिए, पाठ्यक्रम क्या होने चाहिए, यानी कुल मिलाकर के ये जो चीजें हैं, भाई साहब ने भी उन सब चीजों का अभी जिक्र किया था, वो इस तरह का हो कि हम जो है वो अपने देश को माने एक तरह से आत्मनिर्भर और एक तरह से शक्तिशाली बनाने की ओर अग्रसर करें, ये एक तरह से उद्देश्य होना चाहिए। और इन्हीं चीजों को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी का मैंने 2-3 बार है उस 15 अगस्त का तो सुना ही, बाद में वाइस चांसलर्स की मीट में भी उन्होंने इन्हीं चीजों को लेकर के एक सशक्त और आत्मनिर्भर भारत को के निर्माण के लिए ये आह्वान किया था। और हम समझते हैं ये जो पिछले वर्ष से उनका जो कई भाषण हुए थे, यानी उस 150वीं गांधी जी की जयंती के अवसर पर भी उन्होंने जो आह्वान किया था, उन्होंने 2 चीजें वहां भी बताई थी, जिसमें से एक था प्रदूषण, यानी विशेष रूप से प्रदूषण और जल संरक्षण को लेकर। तो मुझे लगता है कि ये भी एक तरह से हमारे जो मानव मूल्य है उसमें जुड़ा होना चाहिए, यानी प्रदूषण जो समाज को प्रदूषित कर रहा है, यानी एक तरह से नुकसान पहुंचा रहा है, तो उन्होंने यही कहा था कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसका भी उपयोग हमको बंद करना था, ये उन्होंने एक तरह से सभी से आग्रह किया था। और दूसरा जो है वो जल संरक्षण को लेकर के कि जितनी आवश्यकता है उतना ही उपयोग करें, और आगे की एक तरह से जो उनका उद्देश्य था कहने के कि हम केवल अपने लिए न करें बल्कि जो एक तरह से आगे की पीढ़ी है उसके लिए भी हम आगे उसको बचा करके रखें, इन चीजों पर उन्होंने ध्यान दिया था। तो कुल मिलाकर के जो एक आत्मनिर्भर भारत का उन्होंने आह्वान किया था, प्रदूषण मुक्त देश की बात जो की थी, और साथ में जो है अब इन्हीं इसी चीज को जोड़ते हुए देखिए जो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, यानी जो एक तरह से इस शिक्षा नीति में एक विशेष चीज जो है, यानी जो विशेष हमारे जो शिक्षा के क्षेत्र है या अनुसंधान के क्षेत्र है उनको अपने ऐसे जो क्षेत्र है शिक्षा के क्षेत्र जहां अनुसंधान में थोड़ी कमी है उनको एक तरह से जोड़ने के लिए, और इसी तरह का एक जो है वो फंडिंग के लिए
राष्ट्रीय जो है अनुसंधान परिषद करके और बनाने की बात जो की है, तो कुल मिलाकर के लगभग लगभग सारे एस्पेक्ट्स को उन्होंने कवर किया। और जैसा भाई साहब ने भी कहा कि चीजें तो बहुत ठीक है, सारी चीजें ठीक है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना, जो लास्ट में उन्होंने कहा कि ये सबसे बड़ा कार्य इस समय हम लोगों के साथ है। और 2022 तक जैसा चल रहा है कि यानी इसको किसी भी तरह से 2022 तक हमको इम्प्लीमेंट करना है, तो इन चीजों को देखते हुए और जो हमारा शिक्षक समाज है, लगभग जो है वो जो मैं पढ़ रहा था कस्तूरी रंगम जी का जो एक रिपोर्ट थी, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि लगभग 1 करोड़ के आसपास जो है अध्यापकों जो नीचे से लेकर के ऊपर तक ऐसे इसमें जो सहभागिता कर रहे थे, और लगभग 32 से 33 करोड़ जो स्टेक होल्डर विशेष रूप से सारे जो इसमें जुड़े हुए थे, सबसे बातचीत करने के बाद जो एक उन्होंने दिया है ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की, तो इसको इम्प्लीमेंट करने में हम जो है एक तरह से कह सकते हैं कि हमारे शिक्षक लोगों का बहुत ज्यादा योगदान इसमें आएगा। तो इस दिशा में हम सब लोग सोचेंगे और आगे कैसे इसको करना है, इस विषय पर ये इस तरह की जो लेक्चर्स है, इस तरह की जो है वो वेबिनार्स है, ये आयोजन जरूर करते रहेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि कुल मिलाकर के एक जो हमारी परिकल्पना है, मैंने एक तरह से जो है वो वैश्विक मानव बना करके और विश्व कल्याण में उनकी सहभागिता हो, ऐसे विद्यार्थी और एक समाज का निर्माण करेंगे, तो मुझे लगता है कि इन्हीं बातों के साथ, और मैं विशेष रूप से पुनः माननीय शिव कुमार जी को आपको धन्यवाद करते हुए, हिमांशु दास जी को और सभी आयोजकों को मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने एक बहुत ही मार्गदर्शक एक तरह से कह सकते हैं ये लेक्चर या भाई साहब का रखा। तो आपको पुनः एक बार प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। जैसा आपने बिल्कुल सच्ची कहा है कि जो परिकल्पना की थी जय जवान जय किसान की, उसके बाद विज्ञान जुड़ा और साथ में अभी अनुसंधान भी, और जहां तक हम बात करते हैं रेम्यूनरेशन के संदर्भ में, डिसेबिलिटी के रेम्यूनरेशन के संदर्भ में, इसमें आपकी यूनिवर्सिटी और हमारा राष्ट्रीय संस्थान यदि दोनों मिलकर यदि काम करते हैं तो डिसेबिलिटी फील्ड में बहुत कम अनुसंधान हुए हैं और इसमें अनुसंधान की काफी संभावनाएं हैं, तो इसमें हम आगे बढ़ सकते हैं निश्चित रूप से। और एक जो जैसा की शुरुआत समय में कहा, आपने कहा कि एक आत्मनिर्भर भारत की एक पहचान या एक आधुनिक भारत की कल्पना या सशक्त भारत की कल्पना जो हम कर रहे हैं सब मिलकर, इस कल्पना को शायद हम एक मूर्त रूप दे पाए हैं इन अनुसंधानों के द्वारा। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत कम शब्दों में बहुत अच्छी बातें हमारे सामने रखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में भी इस प्रकार के वेबिनार, इस प्रकार के आयोजन हम लगातार करते रहें और खासकर अनुसंधान के क्षेत्र में हम मिलकर कार्य अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। कार्यक्रम के अंतिम भाव के रूप में अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा आदर शक्ति राय मैम को, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, डॉक्टर आदर शक्ति राय मैम। धन्यवाद सुनील सर, परम आदरणीय माननीय श्री कुमार जी, राष्ट्रीय मंत्री विद्या भारती, आदरणीय डॉक्टर हिमांशु दास सर, निदेशक राष्ट्रीय दृढ़ दिव्यांग सशक्तिकरण संस्थान देहरादून, आदरणीय प्रोफेसर राधा राणा कृष्णपाल जी, कुलपति डॉक्टर शकुंतला मिश्रा नेशनल रिहैबिलिटेशन यूनिवर्सिटी, आदरणीय प्रोफेसर रजनी रंजन सिंह इस संयोजक इस व्याख्यान माला के, जिसका विषय है रिफ्लेक्टिव डिस्कोर्स ऑन ट्रांसफॉर्मिंग द एजुकेशन सिस्टम एंड रीशेपिंग द 21st सेंचुरी भारत, आदरणीय सुनील सर, पंकज, ब्रजेश सर, माननीय एवं सम्मानीय हमारे जो पार्टिसिपेंट हैं श्रोतागण, आप सभी को सादर अभिवादन एवं शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद की श्रृंखला में मैं सर्वप्रथम धन्यवाद देना चाहूंगी आज के जो प्रखर व ओजस्वी वक्ता हैं हमारे, सर आपका हृदय से आभार प्रकट करती हूँ, आपने अति व्यस्त क्षणों से कुछ समय निकालकर हमें अपना आशीर्वचन दिया। हम बिल्कुल अभी तक जितने भी वाइस चांसलर सर ने या डायरेक्टर
सर ने या सर ने कहा, एक जो महत्वपूर्ण बात थी कि जो स्टेक होल्डर्स हैं वही इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार हैं, और उसके लिए जब 34 वर्षों बाद हमारे हाथ में जब एक शिक्षा नीति है जो जो हमारी शिक्षा व्यवस्था को एक नई दिशा देने हेतु तत्पर है, उस समय बिल्कुल आवश्यक है कि हम किस प्रकार के भारत की संकल्पना करते हैं। और हमारे वक्ता ने आज बहुत सुंदर तरीके से बताया कि किस प्रकार युवा अनुकूल परिवर्तन और देशानुकूल परिवर्तन को स्वीकार करते हुए ही हम उस भारत की संकल्पना कर उसे एक दिशा दे सकते हैं। सर, आप जब भी भारतीय शिक्षा की चिंतन की बात होती है, उस पर कुछ समझने की बात होती है, तो हम आपके जो वीडियोज हैं जो आपको भिन्न भिन्न कार्यक्रमों में हमेशा सुनते आए हैं और लाभान्वित होते आए हैं। भारत केंद्रीय शिक्षा की सार्थकता पर जिस तरीके से आपने प्रकाश डाला, उसमें निश्चय ही हम सभी जो शिक्षा के स्टेक होल्डर्स हैं वो गहराई से चिंतन करने हैं, तो आपने पृष्ठभूमि तैयार की है, प्रदान की है हमें, हम उसके अनुसार क्रियान्वित होके वो के आपके एक एक शब्द जो इतने सारे उसमें अर्थ लिए हुआ था, जिसको एक एक शब्द को मनन चिंतन और उसको गहराई से अनुपालन करने की आवश्यकता है। निश्चय ही सर आपके जो भी आपने व्याख्यान दिया उससे हम सभी लाभान्वित हुए हैं, हृदय से आभार सर। पुनः इसी कड़ी में मैं धन्यवाद देती हूँ निदेशक जो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद विजुअल डिसेबिलिटी देहरादून, सर आपकी इस कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति इस कार्यक्रम को गरिमा प्रदान की, आपने दोनों जो संस्थाएं हैं उनको साझा एक अपने विचार और अपने जो विजन है उसको साझा करते हुए करने की बात कही, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी अपने यशस्वी कुलपति को जो जो हमेशा तत्पर रहते हैं इस तरह की अकादमिक गतिविधियों में, हमेशा अपना बहुमूल्य समय अपना जो मार्गदर्शन जिनके संरक्षण और नेतृत्व में हम ये कार्यक्रम हो रहा है, ये और इस तरह के अनेक कार्यक्रम होते रहेंगे और होते आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। प्रोफेसर रजी रंजन सिंह सर जिनकी संकल्पना से यह कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपने। अनिल जी आपकी आवाज कट रही है, एक बार अनिल जी आप सुन पा रहे हैं हमें? अनिल जी सुन पा रहे हैं आप हमें? लगता है कुछ नेटवर्क इश्यू है। निश्चित रूप से इस प्रोग्राम को संपूर्ण सफल बनाने में सफल बनाने के लिए सभी का सहयोग रहा है। मैं राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान की तरफ से एक बार फिर मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगा आदरणीय शिव कुमार सर का, इन्होंने अपने वक्तव्य से हमको लाभान्वित किया और निश्चित रूप से समय समय पर सर आपका मार्गदर्शन हमको मिलता रहेगा, मैं बार बार उम्मीद करते रहूंगा इस प्रकार की। साथ में मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगा आदरणीय कुलपति साहब का, राणा कृष्णपाल सिंह साहब का, और सर आपका भी लगातार मार्गदर्शन हमको मिलता है और मिलता रहेगा मैं इसमें उम्मीद करता हूँ। मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगा आदरणीय निदेशक महोदय राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांग सशक्तिकरण संस्थान डॉक्टर हिमांशु दास सर का, जिनका मार्गदर्शन हमें ही नहीं वरन सभी प्रकार जितने राष्ट्रीय संस्थान है पूरे देश भर में, उन सबके जो प्रोफेशनल्स हैं लगातार सबके साथ इंटरेक्शन करते रहते हैं और लगातार रिन्यूवेशन के फील्ड में हम क्या नया कर सकते हैं इसके बारे में विचार करते रहते हैं, सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया के क्रम में धन्यवाद के क्रम में मैं प्रोफेसर रजनी रंजन सिंह सर का धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगा कि सर आपका मार्गदर्शन इस प्रोग्राम को एक साकार रूप देने के लिए लगातार हमको मिलता रहा है और अमित कुमार की लगातार इस प्रकार का मार्गदर्शन को मिलता रहे ताकि और अच्छे प्रोग्राम हम कर सके। धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगा अगर शक्ति राय मैम का, ये वो भी लगातार हमसे जुड़ी हुई है और लगातार हमको मार्गदर्शन प्रदान कर रही है। डॉक्टर पंकज सर का इस टीम का जो पूरे इस वेबिनार की सीरीज को आयोजन करने में जो हमारे आईटी टीम दी हुई है, इस टीम का भी मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगा। और साथ में ज्ञापन का पूरा क्रम जो है तब तक अंत नहीं होगा जब तक मैं सभी प्रतिभागियों को धन्यवाद न कर दूं। मैं आपका मन पूर्वक धन्यवाद करना चाहूंगा जितने प्रतिभागी इस प्रोग्राम से हमसे जुड़े, उम्मीद करता हूँ कि आने वाले
दिनों में और हम लोग प्रोग्राम की पूरी सीरीज करेंगे, वेबिनार की सीरीज करेंगे, इसमें आप लगातार हमसे जुड़ते रहेंगे, हमें फीडबैक अवश्य दें, सजेशन अवश्य दें, आपको क्या सुनना है, आपको क्या अच्छा लगा और किस प्रकार का हम इम्प्रूवमेंट इस प्रोग्राम में और कर सकते हैं, तो मैं आप लोगों का फीडबैक अवश्य करूंगा। अंत में पुनः एक बार सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। पुष्पांजलि, पुष्पांजलि जी, जो भी आपके प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शन है पुष्पांजलि जी। प्रोग्राम को विधिवत तौर पर घोषणा करते हैं। यस सर, ये बेटर रहेगा। ठीक है, ये एक फर्दर ये है कि कल जो है वो बेसिकली मतलब 19 को अगला लेक्चर है इसी सीरीज का, अगला लेक्चर प्रोफेसर जे एस राजपूत जी, जो आप सभी जानते हैं कि एक बहुत ही एमिनेंट एडुकेशनिस्ट हैं और एनसीईआरटी के वो डायरेक्टर भी रह चुके हैं और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क इम्प्लीमेंटेशन से लेकर के उनका कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो 19th of October को सर का लेक्चर है प्रोफेसर जे एस राजपूत सर का, और उसके बाद 21st October को प्रोफेसर आर एस दुबे सर का लेक्चर है जो वाइस चांसलर है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात। तो अभी तक ये डिक्लेयर्ड शेड्यूल है, सभी पार्टिसिपेंट से ये रिक्वेस्ट है कि ये शेड्यूल पे आप लोग रहेंगे और शेड्यूल का जो फर्दर डिटेल है वो जारी किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। जैसा आपको सभी बताया प्रोफेसर रंजन सिंह साहब ने, अगले जो प्रोग्राम है वो 19 और 21 के हैं, इसके पूरे जो ब्रोशर्स हैं उसके लिंक्स जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत जल्दी आपको शेयर की जाएगी। और निश्चित रूप से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जितने लाभार्थी हैं, प्रतिभागी हैं, लगातार इस वेबिनार से हमसे जुड़े रहें और अपना फीडबैक हमें अवश्य दें। और अंत में मैं विधिवत आप सबसे इजाजत चाहूंगा, इस प्रोग्राम को हम यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं 19 तारीख को। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। एक रिक्वेस्ट है श्री कुलकर साहब की, जो एडमिन प्लीज डिक्लेयर करवाइए कि क्या अगले लेक्चर सीरीज के लिए क्या यही लिंक होगा या वो लिंक चेंज करेंगे, क्योंकि पार्टिसिपेंट्स काफी पूछ रहे हैं, तो मुझे लग रहा है सहूलियत हो तो यही लिंक रखा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। ऐसे में एडमिन का जी जी सर, मैं आईटी टीम से मैं बात करके मैं व्हाट्सएप ग्रुप में कन्वे करता हूँ पूरा मैसेज ना कि लिंक कौन सी होगी, मैं आईटी टीम से बात करके बात करता हूँ सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। नमस्कार सभी को, नमस्कार सभी को, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।